कल्चर, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल लास्ट एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हुई थी ड्राइवर के साथ में, आपको याद ही होगा। अगर आपने लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि भाई उसमें ड्राइवर का एक और खास दोस्त नहीं रहा, बेचारा मैडी भी मारा गया। मैडी मेरी उधर का बेटे का बॉस, आपको पता ही होगा। फिलहाल वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, काफ़ी सालों से मेरे साथ था, अच्छी हमारे बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। वो भी ट्रस्ट वाला बंदा था और मैं भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी भाई हमारे बीच में। बट एकदम से पता नहीं क्या हुआ यार, अपना इस बेकार बंदे ने। बट खैर लास्ट एपिसोड में काफ़ी चीज़ अच्छी भी हुई है और काफ़ी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि अभी क्या ही मैं बोलूँ। क्योंकि जिस बुक को ओपन करके हम उसको रीड करने वाले थे एंड सारे काम करने वाले थे, एंड सारा का सारा काम ही ख़राब कर दिया मास्टर जेड ने आकर के। क्योंकि उस बंदे ने उस बुक को भाई 3 या 4 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया था, जब वो लॉस्ट एंड ट्रेवर को बचाया था ना, मतलब वो आया था एंड ट्रेवर थोड़ा बीमार था, उसी दिन उसने बुक को चुराया था कहीं से लेकर के आया था, पता नहीं कहाँ से उसको मिल गई, एंड उसने उसको वहीं पर दी एंड कर दिया था एंड काम ख़त्म। उसके बाद उस बंदे ने अपने ड्रैगन को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो बंदा मुझे मारने वाला था। वैसे ये काम बहुत अच्छा किया उसने, बट यार फिर उस ड्रैगन ने ना मरने से पहले हमारे पैर मैडी को मार दिया, बहुत बेकार काम हुए थे। एंड ऊपर से उससे बुरा ये हो गया, सेकंड चैनल पर जो एपिसोड आया था लेस्टर भाई का, प्यारे प्यारे पापा जी टेस्टर जी, फिलहाल लेस्टर बहुत परेशान है, इसके बाद में जाऊँगा, पहले एक ज़रूरी काम से मेरे को जाना है, क्या पता टेस्टर जी की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाए। अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं लगा टेस्टर जी आखिर कहाँ पर मिलने वाले हैं। मतलब कि लेस्टर का रो रो के इतना ज़्यादा भाई बुरा हाल है, बेचारा रो ही जा रहा है, बोल रहा है ट्रेयर प्लीज़ मेरे पापा का बचा ले, ये कर दे वो कर दे। मैंने उसको बोल के रखा भाई चिंता मत कर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूर तेरे पापा को बचा लूँगा। यार टेस्टर जी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है क्यों? क्योंकि वो बंदे अकेले ऐसे हेल होते जो दोबारा से टाइम मशीन बना सकते हैं, एंड अगर एक बार टाइम मशीन रेडी हो गई तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हमारी लाइफ पूरी परफेक्ट हो सकती है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर टेस्टर जी को कुछ हो गया तो फिर टाइम मशीन भूल चाहिए, वो फिर कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो इकलौते बंदे हैं एंड उनके अलावा कोई किसी में और दम ही नहीं है इतना। एंड रही बात रॉबर्ट फिलिप्स की, पता नहीं भाई कहाँ पर है, क्या करते हैं, कहाँ पर है, कुछ पता नहीं है उनका, वो देख ही जाएगी। निकलता हूँ जल्दी से जगह पर, कुछ बंदे ने बुलाया मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए कि टेस्टर जी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको जा करके तो बचाना ही पड़ेगा। एंड वैसे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है उल्टी सीधी, बट मैंने आपको बोल के रखा है सिर्फ अभी हमारे दो ही खास विलन है जिनको मारते सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक फैंटम एंड डार्क किंग, जल्दी उनका एंड करते ही तब का दी एंड हो जाए। पहुंच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल मेरे को बंदों ने 100 मील पर ही बुलाया था मिलने के लिए, एंड पहुंच तो गया हूँ। मतलब अजीब मेरे को इसलिए लग रहा क्योंकि पूरी जगह खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। फिलहाल ऊपर निकल मेरे प्यारे ड्राइवर, ऊपर ही जाकर के चेक कर लेते हैं आखिर क्या चक्कर है क्या नहीं है। हेलो भाई कोई है क्या? यार पता नहीं किसने फ़ोन किया था एंड यहाँ पर पूरा एरिया ही खाली पड़ा हुआ है। मुझे लगता है किसी ने बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्राइवर गाँव में सिर्फ बुलाया तो नहीं, ऐसे ही बंदे बहुत पहले ऐसा भी कर देते हैं। अगर किसी ने ऐसा कर दिया होगा ना तो उसका नेता तो मैं ही बना डालूंगा। नहीं भाई नहीं 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 ऐसा तो नहीं करते, मतलब कि ये प्लान था ये, इसका मतलब जानबूझ के मुझे फ़ोन किया गया ताकि मैं यहाँ पर आऊँ एंड मेरे ऊपर ना बॉम्ब गिराने का प्लान था प्लेन से। कोई प्लेन व्लेन आया होगा शायद से, आपने देखा बॉम्ब यहाँ पर गिराए गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है वही सही है, तो इसका मतलब बातें बातें कुछ नहीं होने वाली थी, कोई मेरे दुश्मनी थे जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाने का सेटअप करके रखा था कि ट्रेवर भाई आएंगे, ट्रेवर भाई को उड़ा डालेंगे एंड काम ख़त्म। बट ट्रेवर भाई इतने सस्ते नशे नहीं करते, ट्रेवर भाई बहुत महंगे नशे करते हैं जो चढ़ते नहीं है, वो चढ़ा डालते हैं। चलिए खैर जो भी है, अब जो हो गया सो हो गया, अब वो हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने सोचा था एक उम्मीद सी आई थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता लगेगा एंड टेस्टर जी को बचा लेंगे, बट ये उम्मीद भी ख़राब हो गई। टेस्टर ने बुलाया मेरे को, बोल रहा है ट्रेवर प्लीज़ आ जा मेरे भाई, बहुत ज़रूरी बात करनी है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, मतलब कि मैं बहुत डर के रखा हूँ, कभी भी कुछ हो सकता है, प्लीज़ आ जा मेरी हेल्प कर। मैंने बोला आ रहा हूँ मेरे भाई, डर मत, मैं तेरे पापा को ढूंढने के चक्कर में लग रहा हूँ। तो फिलहाल चलिए मिल लेते हैं लेसर से जाकर के, हमारा लेसर भाई कुछ कह रहा है उसके भी जाता हूँ। उसके बाद मेरे को डगन से मिलना है, डगन को मैंने फ़ोन कर दिया कि डगन अपनी मीटिंग प्लेस पर आ जाए यार, क्योंकि टेस्टर जी को बेचारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो काम ख़राब हो सकता है। ऊपर से आज लॉस सेंटर से लड़ाई भी हो सकती है कभी भी, मैंने अपनी आर्मी को बोल के रखा है कि भाई बंद के तैयार हो जाओ सारे सारे बंदे, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे को सेकंड चैनल पर जब एपिसोड आया था लास्ट में, उसमें मेरे को अपने प्यारे उसी फ्रेंड ने, जो जोनेज का फ्रेंड था, उसने मेरे को आकर के बता दिया कि ड्राइवर कभी भी वॉर हो सकती है, क्योंकि डार्किंग के चाहने वाले बंदे रुक नहीं रहे एंड वो बंदे हमारे बंदों के ऊपर अटैक ज़रूर करेंगे। तो मैंने बोल दिया था उसको कोई टेंशन नहीं है, आने दे जितने बंदे आएंगे मैं सबको देख लूँगा, तो इसलिए भाई बोर भी हो सकती है उसके लिए भी मैं अलर्ट हूँ एंड टेस्टर जी को भी ढूंढना है। चलिए ड्राइवर फटाफट से निकले जगह पर, पहुँच चुका हूँ मेरे प्यारे लेस्टर के पास में। फिलहाल देखते हैं क्या मुझे बोलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके पास है नहीं है वो पता लग जाएगा। रे भाई फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलिए, आगे बढ़िए बात कीजिए। हेलो आंटी ओ, लास्ट टाइम के लिए सॉरी मैंने गोली चलाई थी लेस्टर के ऊपर, आप नाराज़ तो नहीं थी ना लेस्टर भाई? बोल जल्दी, देख ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कोई क्लू मिला तुझे? ड्राइवर मेरे भाई प्लीज यार, चाहे तो कुछ भी कर, चाहे तो मेरा सारा पैसा ले ले मेरे भाई, चाहे तो कुछ भी कर भाई प्लीज,
मेरे पापा को ढूंढ दे, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पापा मेरे लिए बहुत खास है, वो हमेशा मुझसे दूर रहे ट्रेवर, तुझे पता ही है। वो मुझे छोड़कर चले गए थे एंड वो कुछ साल पहले ही हमारी लाइफ में आए हैं। फिलहाल मैं उनके साथ ज्यादा नहीं रहता, ये मत सोचा करके मेरे को उनसे प्यार नहीं है। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ ट्रेवर, चाहे वो मुझे भूल गए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे याद है मेरे पापा। प्लीज ट्रेवर उनको बचा ले प्लीज यार, तेरे अलावा कोई नहीं है पूरे लॉस सैंटोस में जो मेरी हेल्प कर सकता है। तू अमेजिंग है, तू बहुत कमाल है, प्लीज उनको कुछ होने मत देना। लेस्टर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है। मेरे भाई दिमाग से काम ले, अपनी हैकिंग से कुछ काम कर, रोने से कुछ नहीं होने वाला समझता हूँ मैं, बट अभी कुछ कर, ढूंढ के बता लोकेशन, बाकी मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। लेस्टर थोड़ा उदास है, परेशान है, बट मैंने इसको समझाया, बाकी आप देख ही रहे हो भाई। देखो ये एक आम चीज़ है, सीधी सी बात है, इसके पापा की जान खतरे में है, तो वो कोई भी होगा इस सिचुएशन में वो यही करेगा, अपने पापा को बचाने के लिए अपना पूरा बेस्ट करेगा। लेस्टर बेचारा वो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे सारे काम कर रहा है। पहली बार लेस्टर को मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल देखा है, एंड मतलब सीरियस टाइप का, नहीं तो हमेशा कॉमेडी करते ही रहता है, फ्री में उल्टे काम करता है, बट आज इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत परेशान है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो ट्रेवर जी को तो मुझे ही बचाना है, क्योंकि मेरे को भी उनसे बहुत सारे काम लेने हैं। जल्दी ट्रेवर जी निकलो जल्दी से, एंड अगर काम भी ना निकले यार कोई बात नहीं, वो लेस्टर के पापा है, बचाना तो है ही। मैंने लगा के रखा है सारे बंदों को, बट यार कुछ क्लू ही नहीं मिल पा रहा, कहीं से भी कोई लिंक ही नहीं मिला अभी तक हमें कि कहाँ पर वो हो सकते हैं, किस बंदे के पास थे, कौन सी माफिया उनको उठाया है। लगन से आकर के मैंने सारी सारी बातें कर ली है, लगन को मैंने बोल दिया मेरे भाई लगा रहे दबा करके, जितने तू काम कर सकता है उतना लगा रहे, क्योंकि तेरे पास भी काफ़ी अच्छे हैकर्स हैं, मेरे पास तो और अमेजिंग हैकर्स अभी आ चुके हैं। आपको पता है मैं हाई कमांड के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब कि हाई कमांड का बहुत हूँ, एंड हाई कमांड पूरी पूरी चाहे मैं कुछ भी करा सकता हूँ उन बंदों से, वो पूरी मेरी आर्मी है, उनके पास काफ़ी अच्छे हैकर्स हैं जिनसे मैं ऑलरेडी काम ले रहा हूँ, बट ये कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा क्योंकि लोकेशन नहीं मिल रही। इससे एक बात तो साबित हो चुकी है कि कोई भी कैमराज के सामने टेस्टर जी नहीं है, एंड वो ऐसे एरिया के आसपास है जहाँ पे नेटवर्क काफ़ी कम आते हैं, मतलब कि नेट का एरिया वो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर नेट वाला एरिया होता एंड आसपास में कोई फ़ोन इस टाइप का रेंज में होता जिससे हम टेस्टर जी को ट्रैक कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। बंदों ने उनको ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से इंटरनेट से उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, बहुत चालाक बंदे होते हैं आजकल। कोई बात नहीं, जैसा भी है मैं खुद ढूंढ करके निकाल दूंगा। चलना मेरे भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि मेरे को अभी ना वेट करना है, अब मैं डगन की बात पूरी कर लेता हूँ। डगन ने मेरे को बोला ड्राइवर सामने माउंट चिल्ड्रन पे रात के टाइम जाना, खबर मिली कि आज कुछ बंदे वहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है उनके पास टेस्टर जी है, मतलब कि उन्हीं के गैंग ने सारा काम किया है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, तो ठीक है वेट करते हैं, क्योंकि शाम को जाना है हमें एंड अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब कि अभी तो 1:30 बजा जैसा आप देख रहे हो, तो अभी तो बहुत टाइम है शाम होने में। मैं माउंट शेल्डर पर गया था बड़े ही प्यार से, वहाँ पर मैंने कुछ बंदे देखे, तो मैंने वहाँ पर भाई एकदम से अटैक नहीं किया, उसके बाद फिर मैंने उनको फॉलो किया। फॉलो करते करते बंदे फिर एक जगह पर और पहुंचे, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उनको फॉलो करके, क्योंकि इन्होंने रास्ते में दो चार सिर्फ डील करी है ड्रग्स की, तो ये बंदे अपने ड्रग्स का काम करते फिर रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि ये जाएंगे मेन बोस पर, कोई अपने हेडक्वार्टर पर, कहीं पर भी जाएंगे, बट मेरे को क्या टेस्टर जी मिल जाए, बट मेरे को लगता है ऐसा नहीं होने वाला। फिर इसलिए मैंने क्या काम किया, मैंने इनको ओवरटेक करके इनका रास्ता ब्लॉक किया एंड अपने बहुत सारे आर्मी वाले बंदे बुला लिए हैं। तो फिलहाल सामने वो बंदे जो दुश्मन जिनको फॉलो कर रहा था, पीछे मेरी आर्मी पहुँच चुके हैं इनका एंड करने के लिए। मैंने सोचा क्यों मैं थकता हूँ अकेला, तो चलिए अब इनसे बातें कर लेता हूँ। बहुत देर से इनको फॉलो करते करते ट्रेवर का काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने सोचा था कहीं पे जाएंगे जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये बंदे कहीं पर भी नहीं गए, ना अपने पेस पर, ना कोई छोटे से कहीं पर भी, फिर हफ्ता लेते फिर रहे हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं, पैसा ले रहे हैं, बस ये काम चल रहा है अभी तक। तो मैं हो गया काफ़ी परेशान, इसलिए मैंने सोचा अभी इनसे ही पूछना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहुत देर से तुम लोगों को फॉलो कर रहा हूँ एंड सर में दर्द कर दिया तुम लोगों ने, अभी ड्रग्स बेच रहे हो खुले में, तुम्हें शर्म नहीं आती ड्राइवर के शहर में, ऊपर से हफ्ता ले रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो ज़रा फटाफट से देखो। चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा, ड्रग्स का काम कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं ऐसा गलत काम है मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, बट इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आगे से ऐसा काम मत करना, लाइफ तुम्हारी बच जाएगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेस्टर जी कहाँ पर है बता दोगे तो बहुत बढ़िया होगा भाइयों, नहीं तो पीछे बंदे देख रहे हो ना, वो बहुत खतरनाक बंदे हैं, एटीट्यूड है इन बंदों में काफ़ी सारा, बोलते कि ड्राइवर जितना दम है लगा ले, हम डरते नहीं हैं। चलिए ठीक है भाई, ये बंदे डरते नहीं है, बट ये बंदे मरते तो है ना, तो मार देते हैं। नमूनो कोई बात नहीं, तू मैं तो नहीं समझ बनाऊंगा, आ जाओ मेरी आर्मी, दो चार बंदों को तुम भी खत्म कर लो। एक तो इनको पूरा 1-1.5 घंटा खोलो गया, टाइम वेस्ट किया, एंड ऊपर से मेरे को पता था ये बंदे ऐसे कुछ बोलने वाले, सही में यार कोई फायदा नहीं होगा। अगर टेस्टर जी को जल्दी नहीं ढूंढा तो मेरे को लगता है बुरी खबर आ सकती है भाई, अगर वो मर गए तो मेरी लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ से मेरे सारे बंदे लगे मरते जा रहे हैं, एंड बहुत बेकार काम चल रहा है, क्योंकि
बहुत बुरा हो जाएगा अगर सच्ची में वो नहीं हुआ तो। ड्राइवर मेरे लाल जल्दी निकल क्योंकि भाई उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को इकलौती उम्मीद टाइम मशीन, क्योंकि इकलौती टाइम मशीन ऐसी चीज़ है जो मेरे को सब कुछ सही करके दे सकती है ड्राइवर की लाइफ में। अगर वो ख़त्म तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, फिर ड्राइवर की लाइफ में कुछ सही नहीं होने वाला। निकलता हूँ यहाँ से एंड चेक करता हूँ क्या हिसाब और भी है, क्योंकि आने से पहले थोड़ी देर पहले लेस्टर का फ़ोन आया था। लेस्टर ने कुछ बंदों के घर पर रेड मारी थी, मतलब कि हेडक्वार्टर पर कुछ बंदों के वहाँ पर रेड मारी एंड उनको पकड़ के रखा है रिवर साइड के एरिया पर, उनको पोल से बांध के रखा है सही बंदों को। कम से कम देखा जाए तो 30 से 35 ज़्यादा बंदे होंगे जिनको बांध के रखा है लेस्टर ने, और मुझे फ़ोन करके बोल रहा है ट्रेवर तुरंत आ जा सबको मारेंगे। मैंने बोला ठीक है आ जाऊँगा, मैं ज़रा कुछ बंदों को फॉलो कर रहा हूँ बाद में मिलता हूँ। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। फिलहाल मैंने अपने उन आर्मी वाले बंदों को जिनको मैं लेकर गया था टनल वाले एरिया पर, मैंने उनको बोल दिया कि काम करो यार तुम ना बंदों को फिलहाल फ़ोन चेक करो या फिर फ़ोन से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अरे भाई 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 ये क्या देख लिया मैंने, हेलो लेस्टर ब्रो। तो फिलहाल बंदे जैसे मैंने आपको बोले था 30 से 35 से लेकर के बंदे यहाँ पर है एंड फिलहाल काम चल रहा है बढ़िया जैसे आप देख रहे हो। लेस्टर ब्रो तेरे को इस वाले रूप में मेरे बड़े दिनों के बाद देखा, आप देख रहे हो लेस्टर द ग्रेट गैंगस्टर। वाह भाई वाह, कभी लात से मार रहा है कभी बैट से मार रहा है लेस्टर। बस बस देख रहे हो कितना गुस्से में, आज तब ने पापा को ढूंढ करेगा। वैसे लेस्टर यार तू अगर हमेशा ऐसे ही एटीट्यूड दिखाएगा अभी तो मुझसे ज़्यादा बंदे तुझसे डरेंगे, बट तू हमेशा उल्टी हरकतें करेगा। ड्राइवर मेरी शादी करवा दे, ड्राइवर मेरे को ये करा दे, ड्राइवर ये करा दे। तो बंदे इससे डरते नहीं हैं, इसका मजाक बनाते हैं। आपको पता ही होगा हमारे शहर में एक चैनल है पिंटू टकले का, तो फिलहाल वो पिंटू टकला लेस्टर की बहुत भाई मज़े उड़ाता है, बहुत हंसी छुड़ाता है कि देखो लेस्टर द माफिया द कॉमेडियन माफिया, इसकी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है अपने चैनल पर। बट अगर ये ऐसा रूप रखेगा ना तो कभी वो इसके बारे में खबर नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको पता है लेस्टर बहुत मारेगा। बड़ास्ट लेस्टर का ये रूप देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेस्टर ब्रो किसी ने कुछ बताया, एक घंटे से उनकी पिटाई तो कर रहा है मैं जैसे देख रहा हूँ, कुछ बोला कोई? लेस्टर से बातें हुई है, फिलहाल निकलना पड़ेगा। डगन का फोन आया, बोल रहा है ड्राइवर जहाँ भी है जिस वक्त मतलब जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ छोड़ कर तुरंत इस वक्त अपने शोरूम पर निकल, मुझे लगता है वहाँ पर बहुत सारे बंदे घुस गए हैं ऐसी खबर मिली है, और वो बंदे तेरे शोरूम को नुकसान पहुँचाने के लिए ही पहुँचे हैं, सिस्टम के बंदे बताए जा रहे हैं। मैंने बोला चिंता मत कर मैं पहुँच रहा हूँ अपने शोरूम पर। ओके तो फाइनली मेरे शोरूम पर अटैक कर दिया बंदों ने, मैं सोच ही रहा था जरूर ये मेरी चीज़ों के ऊपर अटैक करेंगे जैसे मून आउट हो गया मेरे शोरूमों के बाद की हो गई, ये ज़रूर अटैक करेंगे अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर माफिया ऐसी करती है वो आपको नहीं मार सकती तो आपको खास चीज़ के ऊपर अटैक करती है, या तो आपकी फैमिली के ऊपर या फिर आपकी जगहों के ऊपर, ये बहुत आम बात होती है। फिर लेस्टर की बात पूरी कर लेते हो, लेस्टर से बात ये हुई थी, लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर चिंता मत कर अभी नहीं बताया तो कोई बात नहीं बताएंगे, इनकी इतनी पिटाई करूंगा पीट पीट के इनकी जान निकाल लूंगा, बट इनसे डेटा तो मैं लेकर करूंगा। मैंने बोला भाई अमेजिंग मेरे भाई तू भी लगा रहे एंड जरा मैं निकलता हूँ, नाराज मत होना तूने बुलाया था बट शोरूम पर अटैक हुआ है। तो लेस्टर ने बोला ठीक है ड्राइवर तू वहाँ पर पहुँच इनको मैं देख लूंगा। तो ठीक है शोरूम पर पहुँचते एंड देखते आखिर किसमें इतनी हिम्मत आई जो हमसे पिटने आया। पहुँच चुका हूँ भाई जगह पर, एक ही मिनट बस पहुँच जाऊँगा अपने प्यारे से मैं शोरूम पर। ड्राइवर मेरे प्यार लाल बस बस जल्दी 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 बंदे कहाँ पर है बंदे कहाँ पर है। ओके मिल गए बंदे, सोचता तो रहा हूँ यहाँ पर मिसाइल छोड़ दूँ, गन से मारने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यार शोरूम अपना ही है किसी पड़ोसी का नहीं है, इसलिए अभी इस वक्त यहाँ पर हम लोग ज़रा छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है कि मिसाइल नहीं छोड़ सकता भाई। मैं तो सच बता रहा हूँ ऐसा मारता तुम लोगों में मिसाइल से, आज पूरा मूड था मेरा तुम लोगों को मिसाइल छोड़ने के लिए। बाहर आ जा अबे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मैं तुम लोगों का नया बॉस हूँ एंड तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। बताओ भाई नए बॉस के ऊपर अटैक कौन करता है, ये बंदों को मैं सुधार दूंगा। अबे डार्क किंग के दिन गए, डार्क किंग के वजह से तुम मेरे को मार रहे हो, डार्क किंग का नंबर जल्दी लगने वाला है एंड उसके बाद देखते हो फिर तुम लोग क्या करोगे, मुझे बॉस मानोगे? बेटा तुम लोग बॉस मुझे मान मिले तब भी मैं अबकी बार तुम्हें बॉस नहीं मानने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने ना ड्राइवर को कर दिया बहुत ज़्यादा दुखी एंड जो बंदा मुझे दुखी करता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं। इधर आ जा नहीं तो मैं ही बनाऊंगा तेरा। आया बंदा फिट करके मानेगा, रात का टाइम मेरे शोरूम के ऊपर अटैक कर रहे आकर के यार नमूने। चलिए खैर 2-4-5 मिनट तो लगने वाली है, करता हूँ इनका नेता बनाता हूँ। आ जा बेटा आ जा जल्दी आ जा। ओके ये बंदा खत्म, ये भी खत्म, और कोई है? चलो ठीक है एक काम करते हो, देखा 2-4 मिनट लग रही है। एटीट्यूड तो बहुत था, बस एक ही बात बोली ड्राइवर चिंता मत कर अभी हम इतने आएंगे कि तो अगली बार पीट नहीं पाएगा तेरे को, हम जिंदगी में कभी बॉस नहीं मानेंगे जब तक हमारे मालिक हमारे साथ है डार्क किंग, वही बॉस थे हैं एंड रहेंगे, सिस्टम उनकी थी उनकी है। मैंने बोला भाई सिस्टम किसी की नहीं थी, कुछ साल पहले हमारे जोनेज ने बनाई तो तुम लोग उसको नेता बना रहे हो, मतलब कि उसको इतना बड़ा ये बना दे तुम लोगों ने। बट वो बंदे बोलते कि ट्रेवर जो था जैसा भी है डार्क किंग ये सब कुछ हमारे लिए। भाई यार देखो यार ऐसा होता है, मान लो आपको कोई खास दोस्त है ठीक है, तो अभी पावर्स पहले उसके पास थी एंड धीरे से एकदम पावर मेरे पास आ गई, तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि आप अपनी दोस्ती तोड़ दोगे, किसी सी बात है आप अपने दोस्त के साथ ही रहोगे एंड कोशिश करोगे कि वापस से आपके दोस्त को पावर मिल जाए। गेम अब यही काम हो रहा है,
डार्क किंग के जो मेन चाहने वाले बंदे हैं उनको हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नया बॉस मैं हूँ डार्क किंग का, ऑफिशियली मैं हूँ, बट ये मानने से तैयार नहीं हो रहे। ये सोच रहे कि मुझे मार देंगे तो वापस से डार्क किंग बॉस बन जाएगा। इनका पता नहीं है कि ट्रेवर एक बार जिस चीज़ के ऊपर उंगली उठा देता है ना उसकी चीज़ हो ही जाती है, एंड ऊपर से तो ऑफिशियली हो भी गई है। इनका तो मैं देख ही लूँगा बाद में। ड्रैगन जिनके घर पर निकल जरा वेपन्स उठाने बहुत सारे सारे के सर, जितने टोटल वेपन्स हैं सारे उठा लेता हूँ, देखते हैं कौन कितना टाइम पे काम आ जाएगा। फोन आया मेरे पास है, मैं घर पर आ गया था, मैंने वेपन्स उठा लिए बहुत सारे, अभी आपको फिलहाल जब मैं उनको मारूंगा मतलब के बंदों को मारूंगा तभी मैं आपको सारे तरह वेपन्स दिखा दूंगा। जैसे कि वीडियो मेकर, वैसे वीडियो मेकर बहुत अच्छी लगती है, एंड वीडियो मेकर गोली लेने की कोई जरूरत नहीं होती, वीडियो मेकर में सेम वही गोलियां काम करती जो मिनी गन में मैंने आपको पहले बता करके रखा है, इसलिए गोली 10,000 ही है, गन 2 है जो एक ही टाइप की गोलियों को यूज करेगी। ऐसी सिर्फ वीडियो मेकर नहीं है, बहुत सारी ऐसी गन्स भी है ट्रेवर के पास में जिनमें सेम गोलियां यूज होती है। चलिए ट्रेवर जी पहुंचो, तो टीसी भैया बता रहे हैं मेरे को, टीसी बोलता है कि ट्रेवर जल्दी से आ, मेरे को ना एक जगह मिली है पानी के नीचे, एक वोल्ट है एंड वहीं पर एक फैसिलिटी है, एंड उसी में मुझे लगता है टेस्टर जी है। मैं अकेला घुसने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि क्या पता मैं कोई गड़बड़ कर दूँ एंड बंदे उल्टा सीधा काम कर दे, ये तो उनको मार दे, उनको लेकर के भाग जाए, इसलिए ड्राइवर तुम ही आकर के चेक कर लो। मैंने बोला ठीक है टीसी, तू इस वक्त जहाँ पर भी वहीं पर रहे, मैं पहुँच रहा हूँ तुरंत ही। तो ठीक है पहुँचते भाई जल्दी से जगह पर, पहुँच चुका हूँ टीसी भैया के पास में। चलिए ड्राइवर जी फटाफट से, एल और टीसी मेरे प्यारे लाल क्या हाल चाल है। अरे यार तू पहलवान सच्ची में, तू कौन से चक्की का आटा खाता था बचपन में, तू एक मैसेज नहीं कर सकता था मेरे को, मैं भी खा लेता। क्या बॉडी वोडी हाइट वाइट निकाल करके बैठा टकले, बाल वाल भी लगवा ले, अमेजिंग लगेगा बहुत तगड़ा। नहीं यार वैसे ना देखो कुछ बंदों की पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक होती है, वो दिखने में इतने खतरनाक होते हैं कि वो बाल के बिना ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसा कि ये बंदा बिना बाल के अमेजिंग लग रहा है, बाल लगा दोगे तो फनी लगेगा, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है अमेजिंग लेवल से। तो मेरे प्यारे भाई जी इन्फॉर्मेशन सही है ना, पानी में जाना पड़ेगा मुझे, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। टीसी से बात हो गई है, टीसी बोल रहा है ट्रेवर सर चिंता मत करो, मेरी खबर है अमेजिंग है एकदम, आप बेफिक्र होकर के जाइए नीचे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने बोला दिक्कत भाई अभी नहीं है, बट प्रॉब्लम तो बाद में ही होगी ना जब हम नीचे जाएंगे। तो ठीक है नीचे कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से जाने की, अब देखते हैं भाई वोल्ट कहाँ पर है। ये बोल रहा है वोल्ट नीचे की तरफ है, एंड वहीं पर से जा कर के ट्रेवर सर आप एक फैसिलिटी में पहुँच जाओगे, एंड फैसिलिटी में जाने के बाद में टेस्टर जी है। चलिए इतना सिंपल होता तो लेस्टर भी ढूंढ लेता, मुझे तो ऐसा लगता है, सीधी सी बात है। ड्राइवर मेरे लाल आगे निकलो, देखो यार कितना टाइम बाद पहुंचेगी वो, मतलब वोल्ट मिलेगी वो तो पता नहीं है, ढूंढते सारी सारी जगह कहीं ना कहीं तो वोल्ट होगी। इसने बोला था ड्राइवर सर आगे जाते रहिए, यहीं पर कहीं ना कहीं आपको वोल्ट दिख जाएगी। तो ठीक है चेक करते हैं। फाइनली भाई थोड़ा यहाँ वहाँ मैं घूमा एंड मेरे को रास्ता दिख गया, मतलब कि वोल्ट फाइनल दिख चुकी है। इसका तो टीसी भैया की इन्फॉर्मेशन में कुछ तो दम है, वोल्ट तो सच्ची है पानी के नीचे है। तो चलिए अब चेक भी कर लेते हैं कि फैसिलिटी में कितने बंदे हैं एंड सच्ची में टेस्टर जी हैं नहीं है, वो पता लग जाएगा। ड्राइवर भैया जी ओपन करो एंड नीचे निकलो, एंड बंदों को नेता बनाने के लिए टीसी मुझसे मजे ले रहा है मुझे ऐसा लगता है। मैं वोल्ट को ओपन करके आ गया, कोई पासवर्ड तो था ही नहीं, सिंपल तरीके से ओपन हो गई एंड सीधा गेट से मैं नीचे पहुंच गया। पहुंचने के बाद में पूरी फैसिलिटी खाली पड़ी है, कोई भी सिंगल बंदा नहीं एंट्री पर मेरे को मिला नहीं है, एंड मेरे को पूरी फैसिलिटी में अभी तक बंदा को दिखाई दिया भी नहीं है। कमाल करते टीसी भैया, देखो यार क्या पता टीसी सच भी बोल रहा हो, क्या पता यहाँ पर कोई हो, अभी थोड़ी देर पहले निकल के भाग गया हो। तो कहने की बात यह टीसी भैया ने मुझे एक्सपायर खबर दी है, ये एक्सपायर हो चुकी है, अभी इस वाली इन्फॉर्मेशन का कुछ भी फायदा नहीं है। ये देख रहे हो फैसिलिटी इतनी बढ़िया एंड बेड यहाँ पर जेल वाला लगा करके रखा हुआ है। अबे सही है यार तुम लोग बिना कोई अच्छा सा बेड डाल देते यहाँ पर दिखने में जो अच्छा सा तो लगता, ऐसे ही लग रहा है मेरे को सिंपल तरीके से, बट अजीब सा बेड है। तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से, यार कोई फायदा नहीं हुआ, दोबारा देखते हैं एक बार थोड़ा आगे भी चेक कर लेता हूँ क्या पता आगे की तरफ बंदे हो, बट नहीं हो गया यार, क्योंकि जब ना कोई बंदा स्पेशल किसी जगह पर रखा जाता है तो वहाँ पर स्पेशल टाइप के बंदे होते हैं उसे सिक्योरिटी देने के लिए, मतलब कि उसको हमें पकड़ने के लिए, देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा उसको बचाने के लिए, काफ़ी हाई लेवल के बंदे होते हैं। यहाँ पर तो सिंगल बंदा भी नहीं है। ठीक है ड्राइवर जी निकलो, टीसी को करता हूँ सीधा जा करके कि खुद वेरीफाई कर लेता, मेरे को थका दिया ना तो पहुँचने ही वाला हूँ भाई मैं, 2 मिनट में ऊपर की तरफ। ड्राइवर फटाफट से निकलिए, ओके फाइनली पहुँच गया हूँ मैं ऊपर की तरफ, एंड काफ़ी बंदे हैं शायद से, हाँ भाई काफ़ी बंदे हैं ऊपर की तरफ एंड पोल एंड यहाँ पर टीसी। अरे भाई 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 ड्राइवर ब्रो जरा थोड़ा नीचे हो ले, जरा थोड़ा नीचे हो ले क्योंकि बंदे तेरे को देख लेंगे, मैं नहीं चाहता कोई तेरे को देख ले कि ड्राइवर भैया सामने से आ रहे हैं, इसका मतलब टीसी को किसी बंदे ने आकर के यहाँ पर घेर लिया, अमेजिंग। ये कहीं मेरा वेट कर रहे हैं फिर टीसी को जन से मारने के लिए आए। चलिए भाई जो भी अच्छा हो मैं यहाँ पर सही मौके पर हूँ, नहीं तो मेरे प्यार टीसी का नेता बनाए थे, मैं तो टीसी को वैसे पीटने वाला तो था ही कि तूने आकर के यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट किया, एंड यहाँ पर तो अमेजिंग लेवल का काम चल रहा है। ड्राइवर जरा इधर देख, तो फाइनल को ऑन करके जरा देखे तो सही, टीसी भैया को यहाँ पे बांध के रखा है अमेजिंग तरीके से, एंड कुछ बंदे यहाँ पर देखने में लग रहे, क्या देख रहे हैं वे, ये उसी जगह को देख रहे जहाँ से मैं निकलने वाला था, मेरे ऊपर ही पल पल की नज़र लगा रहे,
कि ड्राइवर कब निकलेगा, कब उसको मारेंगे। बहुत बढ़िया। अबे मुझे देख रहे हो पानी से कब निकलेगा ड्राइवर, तुम्हें पता नहीं अभी 10,000 गोलियां हैं। वैसे एक गोली कम है पर 10,000 ही मान के चलो भाई, एक गोली क्या दिक्कत है। आज वीडियो मेकर चलाएंगे, मेरी गन काफी हम चलाते रहते हैं। मेरी प्यारी वीडियो मेकर बाहर आ जाइए। वैसे चलने में दोनों सेम ही होती है, बस दिखने में काफी फर्क लगता है। ऐसे लगता है एक लेजर गन है अमेजिंग वाली। हेलो जी, कैसे हो, इधर आ जाओ, क्या हाल है, आ जा जल्दी आ जा। किसके बंदे हो, किसने भेजा? अरे टीसी भैया थोड़ा साइड हट जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। मैं ही थोड़ा साइड हट जाता हूँ, नहीं तो टीसी गोली लग जाएगी एक दो, एंड टीसी भैया को नुकसान हो सकता है। तो ठीक है चलिए, काफी बंदे मैंने सुना डाले। यार कितनी जल्दी से बंदे मार दिए वीडियो मेकर ने, ये मिनी गन से ज्यादा अमेजिंग है क्या? या फिर देखो ऐसा हो सकता है बंदे ने कवर ज्यादा लिया नहीं था, बंदे लाइन से थे इसलिए मैंने सबको सुला दिया। बट चलिए बढ़िया। अबे टीसी भाई, अच्छा हुआ तूने हमें मैसेज नहीं किया बचपन में, नहीं तो हम तेरे चक्की का आटा खा लेते एंड हम भी इतनी बड़ी बॉडी बना के कोई फायदा नहीं कर पाते। क्या फायदा, हवा भर के रखे इतनी बड़ी बॉडी में। अरे दो बंदे तो पीट नहीं पाता यार, इतने बड़े शैतान जैसे बंदे को इन्होंने बांध दिया। मैंने टीसी को खोल दिया है, मुझे बोलता ड्राइवर यार मैं खड़ा था, फोन चला रहा था, फोन पे मैं वीडियोस देख रहा था। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे फोन बहुत सारे काम करवाने के नुकसान करवा देता है। बहुत बार बंदा मान लो रोड पे चलता रहता है तो बहुत बार बंदों की सच्ची में दिक्कत हो जाती है। हमेशा फोन को ना ऐसे टाइम पर यूज करना चाहिए जब आपको लगता है बिल्कुल ही फ्री हो, नहीं तो फोन ना कभी कभी हाथ से भी करवा सकता है क्योंकि बंदों के साथ ध्यान होता है आजकल फोन में। एंड यहाँ वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें, अभी पकड़ा जाता ना फोन के चक्कर में उल्टा काम हुआ, खैर पकड़ा तो गए था, मर जाता मतलब नमूने। ये कोई टाइम था फोन चलाने का, बोलता है फोन चलाते चलाते किसी ने पीछे डंडा मारा एंड ट्रेलर बेहोश हो गया। अच्छा चल ठीक है, बट नीचे कुछ नहीं मिला, तेरी इन्फॉर्मेशन खराब थी। ये बंदे सिस्टम के ही होंगे, इनसे पता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिस्टम के बंदों को नेता बनाना ही पड़ेगा। ये लिखा है जो भी है मैंने बोल दिया है, हाई कमांड को एक बार अलर्ट कर देता हूँ और बुला लेता हूँ कि हाई कमांड के प्यारे भाइयों जब मैं इशारा करूँ आ जाना, क्योंकि गड़बड़ है सिस्टम वाले बंदे आए, मतलब आए जा रहे आए जा रहे। मैंने सोचा तो रुक जाएंगे बट ये बंदे नहीं मानने वाले। मैं और टीसी भैया यहाँ से निकल पड़े। मैंने बोला टीसी चलाते रहो कहीं मैं छोड़ देता, तो बंदा बोल रहा है नहीं ड्राइवर सर मैं आगे जाऊंगा, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालनी है मेरे को, उसके बाद में आप पहुंचिए मैं निकलता हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं निकल जाता हूँ। तो फिलहाल पता है मैं क्यों यहाँ पे रुका था, क्योंकि मेरे को दिखाना था इसकी गाड़ी, आप देख रहे हो ऊपर से टकला निकल के रखा है गाड़ी में, हमें ख्याल करना बना। चल टीसी ब्रो ठीक है पहुंच जा तू, ड्राइवर भी मिलता है फिर तेरे को बाद में, ठीक है ना। अमेजिंग लेवल का बंदा यार ये भी मेरा, वैसे अमेजिंग बंदा ये मेरे को मिला था ना, मेरे को बहुत याद है आज भी एंड सारी की सारी चीज़ें। एक सेकंड भाई, अबे टीसी टकले, अरे भाई भाई भाई, भाई। बहुत ज़्यादा बुरा काम हो गया। एंड किसने किया था ये काम, गाड़ी में बॉम्ब था इसका मतलब, हमने चेक नहीं किया जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें, या फिर एक बार कौन चेक करता है गाड़ी को लेते टाइम। तो इसका मतलब टीसी को मारने से पहले बंदों ने चुपचाप टीसी गाड़ी में बॉम्ब लगाया, पीछे खड़ी थी ना वो, और फिर इसको मार के बेहोश किया। मैंने सोचा बंदों को मार के मैंने इसको बचा लिया, बट भाई गाड़ी में बॉम्ब लगाया था बंदों ने। प्लान बी, अगर प्लान ए सक्सेसफुल ना हो पाया, बांध के ना मार पाए, तो गाड़ी में ब्लास्ट मतलब कि बॉम्ब लगा देंगे एंड ब्लास्ट कर देंगे। अरे यार टीसी भी फाइनली मर गया, कितने बंदे मरेंगे मेरे, बड़ा दुख हो रहा है यार इसका। देखो मेरे फ्रेंड है, पहले की बात छोड़ दो क्योंकि पहले दुश्मन थे बंदे तो मेरे को गुस्सा आता था इन पर, बट ये बंदा तो अमेजिंग था यार, बड़ा प्यार से बात करता था। देखो टीसी अमेजिंग क्यों है, ये बच्चा बन के रखा है आज की डेट में भी, आपको याद है बहुत टाइम पहले इसके दिमाग में कुछ कमी हो गई थी, फिर मैंने इसके चिप लगा दी थी, तो तब से मेरा गुलाम बन के रखा है, आज तक गुलाम है। बट बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ यार, फोन करता हूँ मतलब अपने प्यार डगन को, डगन भाई जल्दी आ जा। डगन को मैंने फोन कर दिया, डगन बोल रहा है यार ड्राइवर बड़ी दुख की बात है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स मारे जा रहे हैं एंड अब फाइनली प्यारे प्यारे टीसी को भी बाय बोलना पड़ गया। पिछले एपिसोड में मैडी, उससे पिछले एपिसोड में आपको पता है जॉन, पहले जॉन गया फिर मैडी एंड अब फिलहाल फाइनली टीसी। बड़ा बुरा हुआ यार, बड़ा बुरा हुआ। अरे आज तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम कर दिया भाई नमूनो, नहीं तो हमेशा तुम्हें पीटने का मन करता है मुझे। टीसी को देख के बहुत दुख है यार, नहीं तो इससे तो मज़े लेता था मैं आपको बताइए, जैसे कि इसके मजाक बनाता रहता था ऐसे ही टाइम टाइम पर, बट फिलहाल सब खराब हो गया। लेस्टर को बोलता हूँ, लेस्टर ब्रो टीसी नहीं रहा हमारे बीच में, प्लीज़ यार इसके बंदों खबर कर इसको लेके जाएंगे। लेस्टर को फ़ोन तो कर दिया मैंने, बट लेस्टर तो फ़ोन पर फिर रोने लग गया, टीसी के लिए नहीं अपने पापा के लिए बोल रहा है कि ट्रायर इसका मतलब मेरे पापा भी नहीं बच पाएंगे, वो भी मर जाएंगे ट्रायर, क्योंकि हम टीसी को भी नहीं बचा पाए। मैंने बोला भाई टीसी को मरने की हमें कोई डर नहीं था, मतलब कि हमें थोड़ी पता टीसी को मारने वाले बंदे, ये तो पहले डर गया बहुत ज़्यादा। अच्छी मेरे को पता होता कि टीसी को भी मारेंगे बंदे या फिर इसकी गाड़ी बो में, तो मैं इसको मरने थोड़ी देता। काफ़ी काम बुरा हो गया, एक मेरा मेंबर और चला गया एंड फिलहाल इसको भी नेक्स्ट सीरीज में हम देख नहीं पाएंगे। चलिए खैर भाई
जो भी है, अब देखो लोहता टेस्टर जी के ऊपर सारी चीज टिकी हुई है। अगर टेस्टर जी ना वापस आ जाए एंड टेस्टर जी इस टाइम मशीन को बना दे, तो ये समझ के चलिए कि अमेजिंग काम हो जाएगा एंड सारे बंदे वापस आ सकते हैं। एंजल का मेरे पास फ़ोन आया है, एंजल बोल रही ड्रेयर तुमसे मिलना है मेरे को, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, मतलब बता देना। तो ठीक है फोन तो एंजल से मिलने के लिए, एंजल भूले तो नहीं ना, वही लड़की जो मेरे पास आई थी कह करके ये बात कि मैं डार्किंग की बेटी हूँ, दरअसल वो बस उससे मिलने वाली थी एंड ये उसने झूठ बोला था, पता नहीं ऐसा झूठ उसने क्यों बोला। तो चलिए मिलता हूँ उससे जा करके बातें कर लेता हूँ। एंजल के पास पहुँच गया हूँ। हेलो एंजल जी कैसी हो? फिलहाल देखो फालतू बात मत बोलना बिल्कुल भी कि ड्राइवर शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस वक्त इतनी बुरी सिचुएशन है मैं बता नहीं सकता। काम की बातें तो बोलो एंजल, नहीं तो मैं पतली गली से निकल जाऊंगा, जैसे आओ मैं उसी गाड़ी में बैठ के पहुंच जाऊंगा। एंजल से बातें हो गई है, इसने मेरे को एक बात बोली कि ट्रेवर अगर तुम्हें इस जंग को जीतना है ना एंड डार्क किंग एंड बाकी और सभी बंदों को मारना है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। फिलहाल यार कब सच बोलती है कब क्या बोलती है कोई भरोसा नहीं कर सकता, बट ये बोल रही है कि ड्राइवर मैंने तुम्हें आज तक अपने बारे में काफ़ी सच्चाई नहीं बताई, बट मैं आज तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊंगी। ड्राइवर मैं वो नहीं हूँ जो बिल्कुल भी तुम्हारे पास कह करके आई लो स्टैंडर्स में, मैंने अपने नाम और पहचान इसलिए छुपाई ताकि कोई मुझे पहचान न ले एंड मैं भी ये नहीं चाहती थी कि तुम मतलब कि मेरे को गद्दार समझो समझो वगैरह वगैरह, इसलिए बहुत सारी बातें मेरे को ऐसी बताई। कहने की बात ये है इसलिए बस अपनी पहचान जानबूझ के छुपाई ताकि ये पकड़ी ना जाए। और पहले ये मेरे को एक तरीके से ये भी टेस्ट करना चाह रही थी कि ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देना क्या सेफ है, क्या ड्राइवर सही बंदा है, क्या पता है ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दे दें ड्राइवर इसको ही जान से मार दे। पहले इसने एक तरीके से मेरे को टेस्ट किया कि मैं लॉयल हूँ एंड अच्छा बंदा हूँ जो सिर्फ अच्छे काम ही करता है, तो इसको मेरे ऊपर भरोसा था तो इसलिए मेरे को सारी बातें बता दी। अब इसने मुझे बोला कि ड्राइवर मैं काफ़ी सालों से एक इंसान के ऊपर रिसर्च कर रही थी जो है मास्टर सेट एंड मैं डार्क किंग के ऊपर बहुत तगड़ी रिसर्च करके रखी है मैंने वगैरह वगैरह, हर चीज़ के ऊपर मैंने रिसर्च करी ड्राइवर, फिर मैंने तुमसे मैं मिली, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को देखा, मैं सारी चीज़ों को देखा। मेरी लाइफ का मेन एक यही एम है सिर्फ कि मास्टर जेड की सारी सच्चाई पता करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बदला लेने आया कोई कुछ नहीं, इसको सिर्फ मास्टर जेड का चीज़ें पता करनी है हर एक चीज़। तो अब इसने फिर बाद में यहाँ पे लॉस एंजेलिस में आ करके मेरी मतलब के देखा मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरे साथ रही दो चार दिन, मेन वजह मेरे पास आने की थी ताकि मेरे को चेक कर सके मैं लॉयल हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद में इसको यही पता लग गया कि ट्रेवर के मेन मेन दुश्मन कौन है, डार्क किंग। तो बोल रही है कि ट्रेवर अगर तुम्हें डार्क किंग को ख़त्म करना है तो मैं रिसर्च के हिसाब से दुनिया में एक लौता बंदा है उसको दी एंड करने के लिए मास्टर सेट, मुझे ही पता है भाई, मुझे लगता है मास्टर सेट चुटकियों में डार्किंग को दी एंड कर देगा अगर चाहे तो। बट पता नहीं इसको कैद किसने किया था भाई बहुत टाइम पहले, फिर क्या मास्टर सेट को डार्किंग नहीं पकड़ा था या फिर फैंटम ने, पता नहीं है। बट अगर मुझे वैसे हराना है ना इन दोनों को तो मास्टर सेट काम आएगा, बट यार वो बंदा बात नहीं करता, पहली बात तो ये बोल नहीं पाता, ये मैं समझ नहीं पाता, बट वो बात नहीं करता, उसकी मर्जी होती है, वो तभी आता है तभी जाता है। बट इस लड़की ने सही बात बोली है, ये मैं भी आपको बोलना चाह रहा था, बिल्कुल सही बात है इसकी, अगर जंग जीतनी है ये तो रिंग काम आ सकती है या फिर मास्टर जेड, और कोई तरीका नहीं हम लोगों को जीतने का, इसलिए मास्टर जेड को अपनी टीम में करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो इसे बोला अगर ट्रेवर मास्टर जेड ज़्यादातर एक जगह पर ही देखे चाहते हैं, जहाँ तक मैंने उसको देखा है उसी टेम्पल पर जाओ ट्रेवर जहाँ पर वो रिंग है, मास्टर जेड वहाँ पर तुम्हें मिल सकते हैं, अगर मिल जाए तो उनसे बात करो, क्या पता वो मान जाए। मैंने बोला थैंक यू एंजल एंड प्लीज़ झूठ बोल के ना आती तो अच्छा रहता, मेरे पास तो सच बोल के आती कि मैं पता देखना चाहती हूँ ट्रेवर ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें और कुछ भी, सर मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है, बोल रही ट्रेवर तुम्हें फीचर में बताऊँगी जो बातें मैं तुम्हें बताने मतलब कि जो बातें मैंने छुपाई थी, पहले ट्रस्ट देखना था उसके बाद बताऊँगी। पहुँच चुका हूँ जगह पर, फिलहाल देखो यहाँ पर पैदल ही आना पड़ता है, गाड़ी काफ़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है एंड आ गया हूँ मैं जगह पर। तो ठीक है ट्रेवर जी ज़रा जल्दी से चेक कीजिए किस तरफ है ये पोर्टल, यार कभी ना कभी तो ओपन हो जाए ना भी हो कोई बात नहीं, हमें तो मेन टारगेट यही काम करना है, मैंने आपको बोल के रखा है फैंटम एंड डार्क किंग का दी एंड करते हैं। ट्रेवर की लाइफ में कोई विलन्स नहीं होंगे एंड ट्रेवर सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होगा एंड देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट होगा, फिर मैं आराम से मज़े से जी सकता हूँ, बट यार जी भी नहीं पाऊँगा, मेरा नुकसान बहुत हो गया इस सीरीज़ में, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे इतने दोस्त मारे गए, क्या ही बताएं, कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। मैं नीचे की तरफ पहुंच चुका हूँ, ट्रेवर ब्रो ज़रा चेक कीजिए। ओके नहीं बिलाल भाई यहाँ पर तो मास्टर जेड नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम रोज़ यहाँ पे आकर के चेक किया करेंगे, घंटे में तीन चार घंटे में या फिर जैसे भी टाइम लगेगा, क्योंकि एंजल के हिसाब से उसने चेक किया है कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मास्टर जेड यहीं पर आता है इस रिंग के पास में। तो चलिए बढ़िया, अब की बार जब भी कभी वो फंस जाएगा ना तब मैं उससे पूछताछ करूँगा और बातें करूँगा, क्योंकि यार मास्टर जेड मेरे को सच्ची में लगता है सब कुछ कर सकता है। उस बंदे ने ड्रैगन को चुटकी में ख़त्म कर दिया भाई, तो वो ड्राग किंग को भी दी एंड कर सकता है, उससे सब डरते हैं, ये तो मैंने देखा है। जो भी मतलब कि जिसके सामने वो आता है ना वो बंदा अपने घुटने में बैठ के माफ़ी मांगता है, बोलता है प्लीज़ मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो, कुछ तो है जो मैं जानता नहीं उसके बारे में और कोई भी नहीं जानता,
कौन है, कहाँ से आया है, दुनिया का ही है, नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। मास्टर जेड के बारे में कोई डेटा नहीं है कहीं पर भी। मैंने सब चेक करवा लिया, दुनिया भर की पुरानी फाइलें, बुक्स, सब जगह का डेटा चेक करवाया। मास्टर जेड के बारे में किसी ने कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं जानता उसके बारे में। चलिए पता लग जाएगा वक्त आने पर आखिर मास्टर जेड है कौन, ना भी पता लग पाया बट यार बस मुझे तो हेल्प चाहिए। मुझे कौन सा उसके बारे में बायोपिक बनानी है, पिक्चर बनानी है, मेरे को उसके उसके बारे में सारी चीज़ जाननी है। मुझे तो बस उससे काम निकालना है बस। क्या यार वो बंदा मेरे को इनको पीटने में हेल्प कर दे, बस मेरा काम तो पूरा हो जाएगा। मैं लो सेट वापस आ चुका हूँ एंड काफ़ी अमेजिंग काम चल रहा है मेरे पीछे भाई। यहाँ पर जरूर मिसाइल्स वगैरह डाली गई है जैसे आप देख रहे हो। हाईवे पर अभी भी बहुत सारी दिक्कत काम होकर रखा है, लगता है कहीं की लाइन वगैरह फट गई है, गैस वैस वगैरह, क्योंकि अभी तक ब्लास्ट यहाँ पे होकर के रखा है। मेरे पीछे सारा काम हुआ है, मेरे बंदों के ऊपर अटैक होगा। मैंने बोल दिया अपने प्यारे भाई को पता करने के लिए, डगन को, कि डगन यार जल्दी चेक करके बता कि आखिर लॉस्ट है, चल क्या रहा है यार ये, मेरे पीछे अटैक करते हैं बंदे। हाईवे पर आकर के देख क्या नज़ारा चल रहा है, कितने बंदे मरे, क्या क्या नुकसान हुआ, मेरे को सारी चीज़ जाननी है। मैंने डगन को बता दिया, डगन बोल रहा है चिंता मत कर, जल्दी सब कुछ पता कर लेगा अभी मैं, मतलब कि तेरा भाई चेक करता हूँ। तो ठीक है डगन सब कुछ ढूंढ करके निकालेगा, जरा मैं भी चेक करता हूँ यार। अभी तक टेस्ट सच्ची के बारे में कोई कहीं से क्लू ही नहीं मिला, मतलब टेस्ट सच्ची को बचा भी पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, तो ऊपर से जंग तो लड़नी पड़ेगी। अब बुलाता हूँ आर्मी को फाइनली, अब की बार जहाँ पर बंदे मिले ना अकेला नहीं जाऊंगा, इनका नेता बना दूंगा मैं। सब खत्म हो गया, मैंने बोला था ड्राइवर तो कुछ नहीं कर पाएगा, मार दिया मेरे पापा को इधर से ड्राइवर, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा इस दुनिया में रह करके, पर छोड़ूंगा नहीं मैं ड्राइवर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेस्टर का फोन आया, तुरंत जल्दी से जगह पर निकलना पड़ेगा फैक्ट्री पर। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है उसने कि उसके पापा को मार दिया, जल्दी जाना पड़ेगा। बाकी आपने फोन पे सुनी ली उसकी सारी सारी बातें, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ड्राइवर मेरे लाल जल्दी गाड़ी का रॉकेट बनाते, वैसे इस गाड़ी भागेगी भी नहीं, जल्दी पहुंच गया ड्राइवर मेरे प्यारे भाई। लेस्टर की फैक्ट्री पर पहुंच चुका हूँ एंड मैंने दूर से एक चीज़ देख ली है। फिलहाल चलिए आप भी देख लीजिए पास में जा करके, ये नहीं करना चाहिए था भाई। इसी के साथ साथ हमारे लाइफ के सारे सपने खत्म, दी एंड, ना अब मेरा कोई दोस्त वापस आ सकता है एंड ना कुछ होगा। अभी तक मैं सोचता था मैं टाइम मशीन बना पाऊंगा एंड मेरे टेस्टर सब कुछ कर देंगे एंड हम अपनी सभी दोस्तों को वापस लेकर के आ जाएंगे, बट वो सपना एक सपना ही रह गया क्योंकि बंदों ने टेस्टर जी को मार दिया। लेस्टर ब्रो चिंता मत कर, खड़ा हो जाए यार, मैं देख लूँगा, तेरे पापा की मौत का बदला ज़रूर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी किया होगा दी एंड कर देंगे उसको, तो चिंता मत कर। मैंने आते आते थोड़े से और बात कर ली हैकर से, तो मैंने पता किया लेस्टर इतना ज़्यादा कोई परेशान है। तो बंदे ने बोला कि ट्रैवल सर उसके पापा की बॉडी कोई डाल के चला गया फैक्ट्री के बाहर एंड उसको फ़ोन कर दे कि जा आकर के उठा ले, अभी सबके साथ यही काम होने वाला है। तो इसलिए सारा सर काम हुआ, लेस्टर फिर बाहर आया बेचारा एंड आते ही रोने लग गया। लेस्टर ब्रो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बट देखो भाई ये चुप नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, इसके पापा की डेथ हुई है, कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं हुई है, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ हुई है, छोटी चीज़ नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा इसके दिल को हल्का होने, तो थोड़ा सा रो लेने दो इसको, उसके बाद देखते सारी चीज़ें, क्योंकि टेस्ट मतलब लेस्टर इस वक्त गुस्से में है एंड वो उल्टा सीधा कुछ मुझे भी कह देगा, इसलिए मैं इससे ज़्यादा बातें अभी नहीं करने वाला, पता करवाता हूँ सारी चीज़ें। जिसने काम किया है ना सिस्टम वाले बंदों का आज मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मैंने अपनी हाई कमांड के बंदे को फ़ोन कर दिया है एंड चलिए फटाफट से निकलता हूँ। लेस्टर फिलहाल अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर लगाने वाला है। मैंने बोल दिया लेस्टर तो चिंता मत कर, तेरे पापा के फ्यूनरल से पहले मैं इनकी मौत का बदला ले लूँगा, तो फिलहाल अभी मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। पहले मैं डार्किंग के पास जाता हूँ मिलने के लिए, डार्किंग से आप सामने बैठ करके बात करता हूँ कि तू आखिर चाहता क्या है, तेरी वजह से मेरे फ्रेंड्स मरते जा रहे हैं, क्या तूने करने को बोला या फिर इनको रोकने के लिए नहीं बोला, उससे आज बात क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद देखी जाएगी। अगर लड़ना चाहता तो लड़ लें, डार्किंग में कोई स्कोप नहीं है। निकलता हूँ प्लेन को लेकर के, मुझे पता है वो कहाँ पर रहता है, कहाँ मिलता है, वहीं पे जाकर के उससे बातें करता हूँ। एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था, प्लेन मैंने ले लिया है, जल्दी ड्राइवर निकलो, क्योंकि भाई जहाँ पर मेरे को जाना है वहाँ पर बिना प्लेन के हम जा नहीं सकते, इसलिए प्लेन तो मजबूरी में लेकर के जाना ही पड़ता है। ड्राइवर भाई फटाफट से जल्दी से जगह पर निकलो, चलो चलो जल्दी निकलो। ओके ठीक है, पहुँचते हुए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, देखो थोड़ा दूर रहता है डार्किंग, यहाँ पर नहीं रहता, लोस्ट से काफ़ी दूर जाना पड़ता है एंड ऊपर से उसका बेस बहुत ऊपर है हाइट पर, क्यों अलग ही लेवल को उसने बना के रखा है। आप तो लास्ट मतलब कि लास्ट टाइम उससे मिले थे डार्किंग से, पहली बार मीटिंग हुई थी, आपने अगर एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, फिर से अगर नहीं भी देखा तो इस वाले एपिसोड में आप वो जगह देख लोगे। वहीं पर मैं गया था मिलने के लिए, अजीब जगह थी वो, हेल की तरह उसने बना के रखी थी, उस टाइम वहाँ पर बर्फ था, अब की बार मिलेगा नहीं मिलेगा वो पक्का नहीं बोलूँगा, बट डार्किंग तो ज़रूर मिलेगा। चल ड्राइवर निकल, ज़रा थोड़ा ऊपर ऊपर लेके चलता हूँ अपने प्लेन को, क्योंकि जितना हाइट पर मैं प्लेन को लेकर के जाऊंगा उतनी हाइट पर वो बेस मेरे को मिल जाएगा, पहुंचता हूँ। फाइनली मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, काफ़ी टाइम मेरे को यहाँ पर आने में लग गया, बट फाइनली अपना प्यार ट्रायर पहुंच चुका है। एंड भाई अब की बार देखो हमें तो पता लग नहीं रहा क्योंकि GTA इस टाइप का फीचर नहीं है, बट सच्ची में ट्रायर गर्मी तो यहाँ पर जरूर लग रही होगी,
क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक काम यहाँ पर चल रहे हैं। ये शायद से लावा टाइप की चीज़ है, पक्का नहीं बोलूंगा, बट कुछ तो यहाँ पर है। ऊपर से लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे ठंड तो बिल्कुल नहीं है। खैर मेरे प्यार लाल, यहाँ पे चारों तरफ आग ही आ गए। नमूनों का सरदार डार्क किंग देख रहे हो, तो गर्मी पसंद है यार। दुनिया गर्मी से दूर भागती है, ये गर्मी के पास जाता है। अमेजिंग लेवल। ज़्यादा गर्मी देखो दिक्कत देती है। मैं ये नहीं कहता गर्मी बेकार होती है, समर वेकेशन बहुत अच्छा होता है, वेकेशन बोल रहा हूँ मतलब कि समर सीजन बहुत अच्छा होता है, बट एक लिमिट में। ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो बंदों का नेता भी बन जाता है फिर, बड़े ही प्योर से। एंड फिलहाल यार सच्ची में सही बोला था उस नमूने ने, यहाँ पे परमानेंट आग लग के रहती है। ये कैसा बेस बना के रखा है यार उसने, नीचे से आग ही आग आ रही है। ट्रेवर ब्रो, डार्क किंग भाई यहाँ पर है क्या नहीं है, देखो बात करने आओ सच्ची में, प्यार से बात कर ले। अगर मैंने चाहा ना फिर बहुत बुरा हो जाएगा। एंड यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है, कोई बात नहीं, वो बंदा आ जाता है जब भी उसके पास आते हैं बात करने के लिए। डार्क किंग मैं बात करने आया, प्लीज़ यहाँ पर आ जल्दी से, मेरे को बात करनी है फटाफट से। पहुँच चुका हूँ मैं डार्क किंग के पास में, इसके हाथ में वेपन डेल्टा, लास्ट टाइम मैंने फेंक दिया था। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो वेपन डेल्टा हाथ में ले क्या कर रहे हो? तुमने तो बोला था यूजलेस है, मेरे को झूठ बोला था बेवकूफ़ बनाने के लिए। अमेजिंग लेवल की चाल खेल गया इसका मतलब। अगर देखो ऐसा ही है तो फिर कोई बात नहीं, तो इसका मतलब जोन फ्री में मारा गया। खैर जोन को तो इसने मार दिया था, एंड वेपन डेल्टा फिर बाद में मैंने इसलिए फेंका था क्योंकि इसने बोला यूजलेस था, तो मैंने सोचा मैं ही क्या कर लूँगा इसका। अगर इसे झूठ ही बोला हो कोई दिक्कत नहीं है, वेपन डेल्टा सेल्टा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास्टर जेट। मास्टर जेट सबको देख लेगा। डार्क किंग भैया बड़े चमचम आ रहे हो, ज़्यादा पास नहीं जाते यार, क्योंकि इस बंदे में मतलब कि कभी आग वाग का कोई सिस्टम हो इसलिए दूर से ही बात करते हैं। मैंने बोला था ना मुझे पंगा नहीं चाहिए, हाई कमांड का सिस्टम का बॉस मेरे को जोन एज ने बनाया था, बात खत्म। एंड तुमने कोई सी गैंग ने कॉपीराइट करके रखा है, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा नुकसान वाला काम हो गया, मतलब कि मेरी फैमिली मारी जा रही है। क्या तुम्हारा इसमें आधा डार्किंग तो साफ साफ बता दे मुझे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तुम कभी सोचो कि मैं कुछ नहीं करूंगा। ये गोली दिख रही है ना, मैं इसको मार के ट्राई जरूर करूंगा, और क्या पता तुम्हारे को नेता भी बन जाए। ये मत सोचो ट्रेलर बेवकूफ़ी कर रहा है गोली मार के, हर इंसान की कमजोरी होती है दुनिया में। मैं नहीं चाहता लड़ाई हो। चला मेरे ऊपर अपनी दुनिया भर की मिसाइल भी छोड़ दे तो तू एक मेरे बाल को भी नहीं हिला पाएगा ट्रेवर, समझ में आया? एंड हाँ, मैंने अपने किसी बंदे को तेरे किसी भी गैंग के मेंबर को मारने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं किसी को बोल कर एक काम नहीं करवाता ट्रेवर। ये छोटे मोटे काम मेरे बंदे मेरे प्यार में करते हैं, समझ में आया ना? मैं सिर्फ बड़े काम करने के लिए बोलता हूँ, छोटे मोटे काम मैं कभी नहीं बताता। वो मेरे बंदे थे, मेरे लिए काम करते थे, क्योंकि फिलहाल तुम बोस हो तो तुम उनके बंदे हो। पर ट्रेवर क्या बोलूं मैं, वो मुझे दिल से इतना प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, उनके कितने भी प्यारे क्यों ना बन जाओ, वो तुम्हें कभी इतना प्यार नहीं दे सकते ट्रेवर जितना वो मुझे करते हैं। उन्होंने मेरे प्यार के लिए मेरे मेंबर्स को मारा, एंड वो आगे भी मारेंगे, मैंने पहले समझाया था ट्रेवर, इसलिए खुद ही इस गैंग को छोड़ दे एक यही रास्ता है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ट्रेवर। मैं तेरी हेल्प करूंगा जब तेरे ऊपर को खतरा होगा, मतलब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मालिक ने यही मुझे बोला है। उसके नाम में तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगा, एक बार तो कर भी देता बट तूने जोन के साथ मिल करके मुझे मारने की कोशिश करी थी, इसलिए अब मैं तेरे साथ में कोई प्यार से काम नहीं करूंगा, बस वही काम करूंगा जो मालिक बोलेंगे। अब तो यहाँ से चल सकता है ड्राइवर, दोबारा आया तो ठीक नहीं होगा। कार किंग को तो देख लूंगा मैं, नमूनों के सरदार अभी तो पावरफुल होके रखा है, इसलिए ज्यादा उछल रहा है ना, हर किसी का दिन आता है, समझ रहा है ना? तो फिलहाल बोल रहा है कि ट्रेयर मेरे प्यार में उन बंदों ने बस मार दिया, मैंने थोड़ी बोला था मारने के लिए, मैं तेरी हेल्प जब करूंगा जब तेरे को भी वो मारेंगे और तू मरने वाला होगा, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा बट हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि तूने मुझे मारने की कोशिश करी, मैंने बोला था ना नाराज है मुझसे, देख लूंगा बेटा तेरे को मैं, तू हेल्प नहीं करेगा ना, तो अब देख तू कैसे मैं नेता बनाता हूँ तेरी पूरी उस गैंग का, उस पूरे सिस्टम का। जो तेरे को चाहता है ना वो इस दुनिया में नहीं मिलेगा, इसी एपिसोड में उसका दिया करूंगा, चाहे तू कुछ भी कर लेना डार्क किंग, बात ही खत्म है। तो ठीक है चलिए पत्ते बिछाते हैं, फाइनली मैंने इसको बता दिया, अगर ये कुछ करके इस चीज़ को रोक सकता था तो इसके लिए अच्छा हो जाता, बट अब मैं करता हूँ फ़ोन फटाफट से। लगन बेटा अब एक काम कर, जितना तुझ में दम है एंड जल्दी से हाई कमांड का फ़ोन लगा मेरी पूरी की पूरी गैंग को, बोल दुनिया के जितने आर्मी वाले बंदे हैं सब तुरंत लॉस एंजेलिस में आ जाओ, सब आ जाओ जो जितने बंदे आ सकते हैं, क्योंकि आज हमें सिस्टम के बंदों को मिट्टी में मिलाना है, बात ही ख़त्म है। उन बंदों को सिर्फ जो मेरे खिलाफ है, सभी को नहीं मारना, जो मेरे लिए लड़ेंगे मोस्ट वेलकम, जो नहीं लड़ेंगे उनका भी मोस्ट वेलकम, वो मरेंगे, सीधी सी बात है। लॉस एंजेलिस वापस आ चुको, लॉस एंजेलिस वापस आती खबर मिली कि मेरे घर पर ही अटैक कर दिया बंदों ने, अमेजिंग लेवल से। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेवर को, ट्रेवर पहुंचने वाला है जल्दी से घर पर, मैंने बुला के रखा आने वाले बंदों को हाई कमांड, मैंने आपको फिर बोला हाई कमांड किसको कंट्रोल करती है, दुनिया की सभी पुलिस को एंड आर्मी को, तो इसलिए मैं आर्मी वालों की हेल्प लेने वाला हूँ। अरे नमूना कैसे रोड पे खड़े हो,
दुश्मन वाले बंदे हो ना। ठीक है मेरे बंदे ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर तो अटैक चल रहा है, ओके काफी बड़ा ही काम चल रहा है यहाँ पर मेरे यारे प्यारे भाइयों, खत्म करो फटाफट से। तो आर्मी दी एंड कर देगी सभी को, हाई कमांड के बंदे सारे हाई कमांड में बहुत दम है, बहुत मारेंगे इनको। सिस्टम को आज मैं दी एंड करके रहूंगा, मैं भी आज चाहे कुछ भी हो जाए उन बंदों को सभी को जो मेरे खिलाफ है, इनका बनाऊंगा मैं डार्क किंग का असली चेला। चलिए चेक करते हैं कितने बंदे मर रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कहाँ कहाँ पर अटैक हो रहा है, बाकी देख लेगा ड्राइवर, सब देख लेगा। ड्राइवर से बड़े थोड़ी हो गए भाई ये बंदे, ड्राइवर से बड़ा कोई ना था ना है और ना होगा, सब कुछ देख लेगा ड्राइवर। आराम से काम करो, आराम से, चिंता मत करो, सबको ख़त्म करो, मैं देख लूँगा बाकी सारी चीज़ें। अच्छी में यार बंदे बेशरम होते हैं, बताओ यार, अटैक करते सीधा आ गए घर पे ही, मेरा घर ही डैमेज करते, फिर से घर रिपेयर करवाना पड़ेगा। आ जाते हैं मुँह उठा करके बार बार, वीडियो में अगर जरा बाहर आ जा बेटे, कोई हेलीकॉप्टर वाला फिर से आ रहा है तो उसको जरा सबक मैं ही सिखाऊंगा, बुला के लेकर क्या। ओके प्लेन आया है, अपना है दुश्मन का है, देखो अभी मैं मैप पे ठीक से देख नहीं पा रहा, ये शायद से अपना है दुश्मन का है, ऊपर से कोई बंदा आ रहा है भाई, देखो तो वहाँ तक काम ही नहीं करेगी अपनी प्यारी प्यारी फ्रीडम मेकर, एक लिमिट होती है इन सभी की। आगे चेक कर, आगे चेक कर ड्राइवर, जरा आगे चेक कर, आगे निकल, आगे निकल, यहाँ पर नहीं हो भाई, किसी ने एलियन गन चलाई, एलियन गन की वजह से। ओके यहाँ से तो आर पार ट्रेन पर, अब निकल, बस बस बढ़िया, इस तरफ तो कुछ ज़्यादा ही उल्टा काम। अरे भाई एलियन गन कौन बदतमीज चला रहा है यहाँ पर, सारे के सारे काम ही खराब कर दिए। मेरी टीम का है फिर कोई उसी टीम का है, चेक करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बंदो एलियन गन को कम यूज़ करो, क्योंकि वो गन थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है, उससे तुम्हारे भाइयों को भी दिक्कत हो सकती है। एंड ये रहा दुश्मन पार्टी का बंदा, आ जा बैठे, बहुत देर से इंतजार था तेरा, चल चल चल, वहाँ तक लग रही है क्या, पता नहीं भाई लग रही है नहीं लग रही, पता नहीं चल पा रहा, नहीं शायद लग नहीं रही यार। ओके बंदे देख लिया, मेरे को देख लिया, जल्दी जल्दी भाई, लग नहीं रही यार, लगी नहीं रही यार, बहुत कम असर कर रही है। वीडियो मेकर की लिमिट कम है क्या मिनी गन से, आज ही चेक करी मैंने, इसका मतलब वीडियो मेकर कम चलती है एंड मिनी गन की ज़्यादा रेंज है शायद, देखो पक्का नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर मैंने दुनिया भर की गोली मारी कुछ हुआ ही नहीं यार। चलिए बंदे तो आए जा रहे हैं भाई, मैप पर देख लो कितने बंदे आ गए बाहर की तरफ, अरे एलियन गन मारो इनको, नेता बना दो उनका। चल ड्राइवर जल्दी जल्दी जल्दी, या तो हाईवे पर भी अटैक चल रहा है बहुत बड़े वाला, कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, लगता गोल क्लब पर भी घुस के रखे बहुत सारे बंदे। ठीक है भाई देखो लड़ाई थोड़ी लंबी जाने वाली है, बट जितना मुझसे हो सकता है मैं सब कुछ करूँगा। मेरे घर पर लड़ाई भी चली रही है, शांत नहीं हो रही, क्योंकि बंदे हार नहीं मान रहे, सिस्टम वाले वो फ्रॉड बंदे आए जा रहे बार बार। मैंने बहुत देर तक लड़ाई करी बट मैं अभी यहाँ से निकल पड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी टीम आ चुके मिलने के लिए, वो मीटिंग रखे दरअसल मैंने एक एयरपोर्ट पर, जल्दी निकलता हूँ क्योंकि नेता तो बनाना ही पड़ेगा ना। चलो मेरे प्यारे ड्राइवर, एलियन गन का पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, क्या यूज़ हो रहा है, सामने से एक और प्लेन आ रहा है आर्मी को लेकर के, दुश्मन वाला प्लेन है, नमूना मारूंगा मैं इसको, इसका नेता तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। चल ड्राइवर सर एलियन गन निकाल, हमारे बंदे के ऊपर छोड़ेगा ये नमूना सारे बंदों को, आ रहा है बेटा आ रहा है। देखो ऊपर तो निशाना लगाना मुश्किल हो सकता है, पता क्यों, क्योंकि तो चलने में ट्रैवल कर रहा है मतलब कि मूविंग है, एंड ऊपर से दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि एलियन गन बहुत बार मिस हो जाती है एंड असर नहीं करती दूर तक, बट मेरी सारी चीज़ें गलत हो गई एंड गोली लग गई एंड फाइनली मैंने इसका नेता बना दिया। बट मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे क्योंकि आपको पता है एलियन गन की लिमिट कम होती है, बहुत बार दूर तक उसकी रेंज काम नहीं करती। दूसरा ऑप्शन आपको पता है मूविंग में चीज़ जो होती है तो उसको गोली लगाना थोड़ा दिक्कत होती है, जब कोई चीज़ सीधी सी बात है खड़ा एक बंदा तो उसको आप आराम से निशाने लगा लोगे, अब कोई बंदी चीज़ चल रही है, गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी लग गए। तो चलिए निकलते, फाइनली मेरे बंदे पहुँचे एयरपोर्ट पर, उनसे बातें डिस्कस करता हूँ, उनको बोलता हूँ सब कुछ करो, हर किसी को बुला लो। पहुँच चुके एयरपोर्ट पर, सारे के सारे बंदे मेरे भाई पहुँच चुके हैं, इनको सभी को इंस्ट्रक्शन देनी है क्योंकि ये बंदे हाई कमांड के हैं, मेन लीडर्स मतलब कि मेन मेंबर जो सब कुछ संभालते हैं हर एक चीज़, यही तो गैंग को हैंडल करेगा ना। देखो मैं गैंग को इतना ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो यार कुछ दिन पहले ही बॉस बना हूँ तो मैं सारी चीज़ें नहीं जानता ना गैंग के बारे में, तो ये वो बंदे हैं जो गैंग को कंट्रोल करते हैं, बस इनको मेरे को आगे ऑर्डर्स देना है, ऑर्डर मेरे ही चलेंगे क्योंकि बॉस मैं हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, थैंक यू आने के लिए, ज़रा बात सुनो, बहुत अमेजिंग तरीके से सभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। बंदे मुझसे दोबारा पूछा बंदों ने कि ड्राइवर सर आप श्योर हो एकदम करना है, मैंने बोला पूछ मत उड़ा डाल सभी को, किसी को मत छोड़ना, हर बंदे को नेता बनाना है। तो चलिए भाई अमेजिंग लेवल से भी काम होने ही वाला है, तो ठीक है भाइयों लग जाओ अपने काम पर। कंफर्मेशन दे दिया मैंने, मैंने बोल दिया कि सिस्टम का जो कोई बंदा हमारे खिलाफ है उसको दिया करो, समझाने की कोशिश मत करो, चाहे डार्क किंग बोले मना करे या कुछ भी करे, मेरी बात सुननी है तुम लोगों, नहीं तो मैं तुम्हें भी सीधा कर सकता हूँ। बंदे बोल रहे ट्रेन सर कैसी बात कर रहे हो, हमारे लिए तो वही बॉस होता है, मतलब सब कुछ वही होता है जो बॉस होता है, आप बॉस हो बात खत्म, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। चलिए भाई बढ़िया, इन बंदों में अकल है वो मैंने देख ली है, अभी बाकी चीज़ें देख ले, ड्राइवर मेरे लास्ट, चलिए निकलो यहाँ से, उसके बाद चीज़ों को देख ली जाएगी। एंड ये लेफ्ट साइड आया हम, मजा
तो फिलहाल गाड़ी की लैंडिंग थोड़ी बुरी ही लग रही है मुझे, हो जाएगी क्योंकि गाड़ी का नेता बनने वाला है डायनासोर। बेटे कैसा है, क्या हाल चाल है? बढ़िया, लैंडिंग इतनी बुरी नहीं हुई यार, सही हुई है। तो ठीक है, मैंने बोल दिया बंदे को। थोड़ी देर बाद फिर एक जगह पर हम लोगों ने बहुत सारे बंदों को ढूंढ निकाला एंड वहीं पर मेरी यानी भी पहुँच गई एंड मैं भी पहुँच गया हूँ। छोड़ूंगा किसी को नहीं, मैंने लेस्टर को प्रॉमिस किया है कि तेरे पापा को बेटा मतलब कि ग्रेवयार्ड में जाने से पहले इतना मारूंगा बंदों को, इतना मारूंगा कि इनको याद दिला दूंगा मैं कि आखिर ट्रेवर कौन है एंड ये बंदे कौन है। डार्क किंग को भी इतना डर हो जाएगा आज की सच्ची, और ट्रेवर तो कुछ ज़्यादा ही पागल है। टेस्टर के चक्कर में उसने पूरी माफ़ी मार दी मेरी, ले बैठे, क्योंकि डार्क किंग सोचता है कि सिस्टम बहुत पावरफुल है, ट्रेवर कुछ नहीं कर पाएगा उसका, यही तो गलतफहमी है उसकी। क्योंकि ट्रेवर जब अपनी पर आता है तो किसी की नहीं सुनता, तो कितनी बड़ी तोप सामने क्यों ना उसको सभी को सीधा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों पीछे देखो, पीछे दुश्मन का बंदा है शायद से प्लेन में, अपना बंदा है मेरे को पक्का नहीं पता, बट बनाओ इसका नेता, थोड़ा नहीं जाएगा किसी का भी। हेलमेट बैठे, अरे रे रे, जस्ट मिस, किस्मत बहुत अच्छी है नमूने की, लग गई थी क्या इसको? अबे बिना लगे ही मर गया, तो कैसा बंदा है भाई, कमाल का आइटम था ये तो, अपना बंदा है। बस बस बस, अबे तू भी नमूना ही है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ मेरी गाड़ी के आगे कूद रहा है, कमाल होते कुछ इंसान तो। ठीक है चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी काम करता हूँ, बाकी मेरी आर्मी संभाल लेगी। अगली बार पता चल जाएगा बंदे कहाँ पर होंगे तो वहीं पर उनका नेता बनेगा। अभी तक तो फिलहाल कोई लोकेशन मिली नहीं है कि अब की बार बंदे कहाँ पर है, यहाँ पर भी होगा छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बंदा बहुत बुरा खेल लेगा ने लेकर के, मेरे तीन तीन चार चार फ्रेंड मर गए यार वैसे तो, फिर मतलब के और भी मेन बंदे थे। देखो आपको पता है मैडी कितना खास था मेरी लाइफ में, ऊपर से जोन भाई बन गया था, लेस्टर जी तो सबके ताऊ थे यार, सीधी सी बात है वो मेरे टाइम मशीन बनाने वाले थे, लेस्टर के पापा थे, इनसे ज़्यादा खास थे सभी से। टीसी भी मर गया बेचारा, मेरे इतने प्यारे बंदे, सभी टीम मेंबर्स दी एंड हो चुके, पता नहीं और क्या होने वाला है। तो इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा है मेरे को कि अभी बंदे आते रहेंगे ना तो नेता बनाते रहूँगा, और खुद जा जाके पर्सनली मारूंगा हर जगह बंदों को, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। ड्राइवर गाड़ी सीधी कर ब्रो, बस बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग लेवल। वैसे फिर से बोलूँगा मैं, GT5 की सबसे अच्छी मेरे को यही बात लगती है, इसमें गाड़ी कभी टेढ़ी नहीं होती, मतलब कि उल्टी नहीं होती, कितना ही दम लगा लो आप गाड़ी उल्टी कर लो सीधी हो जाती है ऑटोमेटिक ही, मतलब कि बस आपको बटन इधर उधर घुमाना है एंड ऊपर से गाड़ी सीधी। पूरे दिन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सिस्टम वाले बंदों की, तो फिर मेरे को पता लगता है बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारे बंदे पहुंच गए हैं, मतलब कि ट्रेन से कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं रात के टाइम, आप देख ही रहे होंगे, इनका नेता तो मैं अभी बनाने वाला हूँ। पहुँच गया मैं भी ट्रेन के पास में, बंदों ने नज़र नहीं लगाई कि ड्राइवर पीछे है फूफा बनाने के लिए, इधर देख पे नमूने, ड्राइवर से पंगा लेने आए तुम लोग, ट्रेन पे चढ़ के क्या नेता समझ रहे हमने आपको, ड्राइवर कहीं पर ही मारेगा। तो फाइनली भाई बहुत अच्छा फ्यूनरल लेस्टर के पापा का, देखो यार बार बार मैं फ्यूनरल पे नहीं जा सकता आपको पता ही है, बार बार अगर मैं आपको ग्रेवयार्ड पे जाऊंगा तो बहुत टाइम उसे वेस्ट हो जाता है, मैं ऑटो में मतलब कि ऑलरेडी तीन चार फ्यूनरल में जा चुका हूँ, बहुत टाइम लगता है जा करके वहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा आराम से हम फ्यूनरल कर लेते हैं उसके बाद ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एक तरीके से मैंने उसको स्किप कर दिया है, नहीं तो बहुत अच्छा फ्यूनरल हुआ, ज़्यादा बंदे हम नहीं बुलाए थे, मैं था, लेसर था, दो चार मेरे गैंग के और मेंबर थे, माइकल था बस, उसके बाद हमने लेसर जी को बाय बोल दिया है एंड उसके बाद फिर मैं घर पर ही था पूरा दिन एंड उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली। चलिए मेरे को ट्रेन पर ही चढ़ना पड़ेगा इन बंदों का नेता बनाने के लिए, इधर ले बेटा ट्रेन के ऊपर चढ़ के नेता बन रहा है अपने आपको, तो ठीक है थोड़ा सा ट्रेन रो थोड़ा नहीं थोड़ा सा और मेरे को आगे निकलना पड़ेगा ट्रेन पर चढ़ने के लिए। चलो ट्रेवर भाई थोड़ा सा और आगे एंड बस यहाँ पर उतर जाइए जल्दी से, इससे पहले ट्रेन क्रॉस हो जाए जल्दी उतर जाइए जल्दी 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 एंड अरे यार मिस, अमेजिंग लेवल, थोड़ा ज़्यादा मतलब पहले जंप लगाई एंड ऊपर से ट्रेन मिस हो गई, एक तरीके से आगे पहुँच गई थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा ट्रेन को पकड़ने के लिए। चलिए भाई किस्मत कितनी अच्छी है इन बंदों की कि ड्राइवर भाई पकड़ नहीं पा रहे ट्रेन को, खैर इतना टाइम भी नहीं जाने वाला, बस थोड़ा पकड़ लूँगा। तो इसी से बात पता क्या, यहाँ पर रास्ते छोटे हैं, मैं ट्रेन को ओवरटेक नहीं कर पा रहा, दिक्कत ये हो रही है, नहीं तो मैं पहले इसको ओवरटेक कर लेते, ब्रिज आ गया था बस छोटा सा रास्ते में एंड अब फिर से मैं नहीं कर पा रहा। एंड देखो ऐसे पैदल भाग के ट्रेन पे जंप मारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड में होती है, देखने में ऐसे लग रहा है बहुत कम भाग रही है, बट मैं इतनी तेज़ नहीं भाग सकता। ड्राइवर अब शायद से इसको क्रॉस कर सके, बट सामने भाई एक और त्यौहार है यार, एक और ब्रिज आ गया एंड उस ब्रिज से भी मैं फंस जाऊँगा। नहीं भाई फाइनली चलिए मैं ट्रेन से थोड़ा आगे पहुँच गया एंड अब की बार आएगा मत। चलिए ड्राइवर मेरे प्यार ला अपनी गाड़ी को इधर लगा एंड उसके बाद अब की बार तो बंदों को नेता बनाना ही पड़ेगा। ट्रेन तो नहीं रुकने वाली, ट्रेन तो अंबुजा सीमेंट की बन के रखी है, ये तो नहीं रुकेगी जितना मेरा आइडिया है, हाँ ये नहीं रुकने वाली। चलिए ड्राइवर मेरे लाल आपको ही चढ़ना पड़ेगा एंड लास्ट मेरे डब्बे पर ही चढ़ते क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है। अब नमूना तुम्हें देख लूँगा मैं तुम्हें देख लूँगा। चलिए ड्राइवर फटाफट से जंप मारिए, अब की बार हर बार नहीं होता भाई, अब कभी आप सोच रहे हो कि अब की बार भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पिछली बार तो जल्दी जल्दी पहले जंप लग गई थी एंड ट्रेन पास भी हो गई थी, थोड़ा सा एरिया बचा था इसलिए ट्रेन जंप नहीं लगा पाया था,
तो ठीक है चलिए, इनका भी नेता बनाऊंगा। मैंने भी आपको फिर बोला सिस्टम के सब बंदे मारूंगा मैं जो मेरे खिलाफ है। आजा आजा आजा, चल चल चल, जल्दी 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 जल्दी। ओके, बुला के ला अपने भैया को बुला के ला। कितना दम है, कहाँ पे जा रहे हैं तुम लोग, कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? चलिए आगे चेक करता हूँ और कितने बंदे बचे हुए वो भी चेक कर लेंगे, आगे पीछे और भी कोई बंदा है या नहीं है। तब को मारेगा शेयर, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेगा किसी को नहीं। मैंने प्रॉमिस किया लेसर थे कि लेसर तेरे पापा के मौत के मर्डरस को मैं आज ही सजा देने वाला हूँ इसी एपिसोड में, आज सभी का दियांड करूँगा, तो चिंता मत कर। तो देखते हैं क्या हिसाब निकल करके आने वाला है। तो ठीक है, सारे बंदे लगे मर गए और कोई बंदा लग सकता, वापस पहुँचता हूँ गाड़ी उठाता हूँ एंड देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लेसर का फिर से फोन आया, भैंस की तरह रो रहा है भाई, जैसे भैंस रोती है। खैर वैसे मैंने भैंस को रोते हुए देखा नहीं है बट लेसर को तो देखा है। तो चलिए ठीक है, निकलता हूँ मैं जल्दी से, पहुँचता हूँ, देखता हूँ क्यों रो रहा है, आपके पास क्या हो गया। देखिए आप तो पापा की याद आ रही है फिर कुछ भी, बट फ्यूनरल आराम से हो चुका है। यार देखो मेरे पर जितना मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो सब कुछ कोशिश करता हूँ करने की, बट ट्रेवर भी तो आखिरकार है तो इंसान ही ना, मैं एक टाइम पर कितने बंदों की हेल्प कर सकता हूँ, एक दो की ज़्यादा की नहीं कर सकता। मैंने अपना पूरा 100% दिया टेस्टर जी को बचाने का, टेस्टर जी को नहीं, मैंने अपने हर एक दोस्त को बचाने के लिए पूरा मेहनत करी है। बट देखो यार हो जाता है बहुत बार, एंड होता वो ये जो किस्मत की बात है, सही बात तो यही है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ बट फिर भी मैं बचा नहीं पाया इन बंदों। अभी लेस्टर ना इस चीज़ का ब्लेम मेरे ऊपर ना डाल दे। वैसे लेस्टर ने अभी तक ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, अभी तक तो शांति है जब से उसके पापा मरे, जब से रो रो के पागल से होकर रखा है। पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो जैसे आप देख रहे हो फिलहाल लेस्टर फिर से यहीं पर पड़ा हुआ है। अबे रो ना, ये तो फैक्ट्री के अंदर रो लिया कर रहे यार। खैर हर कोई ड्राइवर की तरह हार्ड बंदा नहीं होता, देखो ड्राइवर के सामने इतने दोस्त इसके मारे जाते हैं एंड फैमिली मेम्बर्स भी मर जाते हैं बहुत बार ड्राइवर के बड़े खास बंदे, पर ट्रैवर्स को थोड़ा सा मजबूत रहना पड़ता है। देखो अगर ट्रैवर मजबूत नहीं होगा, ट्रैवर ही टूट जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, पतला कैसे लेंगे एंड अपने फैमिली को कैसे सहारा देंगे। इसलिए ट्रैवर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है भाई, क्योंकि अगर ट्रैवर खुद ही टूट जाएगा तो घर वाले ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। सीधी सी बात है, लेस्टर चिंता मत कर ब्रो, सब ठीक हो जाएगा। तू खड़ा तो मेरे को बता तो सही, अब क्या हो गया, क्यों परेशान है, पापा की याद आ रही है क्या? मुझसे प्रॉमिस कर ड्राइवर प्लीज, जो कोई भी होगा दुनिया में जिसने मेरे पापा को मारा तू उसको मारेगा। ड्राइवर प्रॉमिस कर मुझसे, तू उसको खत्म कर देगा, उड़ा के फेंक देगा, जान से मार देगा उसको। तू प्रॉमिस कर मेरे पापा का बदला लेगा। मेरे पापा को बहुत गोलियां मारी, मेरे पापा की बॉडी में ड्राइवर 50 से ऊपर गोली मिली, मुझे बहुत दुख हो रहा है। 50 गोलियां मारी पापा को, उनकी याद मेरे को अभी तक आ रही है। उनकी बॉडी पूरी खून में थी ड्राइवर, उनके फ्यूनरल को मैं भुला नहीं पा रहा। उनके मासूम से फेस में आखिर क्या बिगाड़ था उन्होंने किसी का, वो आराम से गैरेज में रहते थे, हमारे लिए नई नई चीजें बनाते थे। उन्होंने आज तक किसी को कुछ बुरा भी नहीं बोला। ड्राइवर मेरे पापा को क्यों मारा? ड्राइवर प्लीज बोल मेरे भाई। लेसर इतना टूट जाएगा मैंने नहीं सोचा था यार, तू चिंता मत कर ब्रो, मैं करता हूँ सारा काम, मैं छोड़ूंगा नहीं उस बंदे को, तू चिंता मत कर, अंदर जा तब देख लूंगा मैं। लेसर इतना वीक हो जाएगा पापा के जाने के बाद, कभी इसने अपने पापा का प्यार मेरे को वैसे तो दिखाया नहीं यार। मैं तो सोचा था आम है बस, लेस्टर अपने पापा को वैसे ही नॉर्मल प्यार करता है, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब कि लेस्टर टेस्टर जी को इतना प्यार करता है। खैर सीधी सी बात है, मैं कौन से घर में रहता हूँ, इनकी अपनी फैमिली लाइफ है, मतलब कि लेस्टर के पास ही रहते थे टेस्टर जी, पापा बेटे आपस में रहते थे, तो क्या पता कितना प्यार करते हैं दूसरे को, मुझे थोड़ी पता था। बहुत बुरा हुआ यार, मेरा दोस्त बड़ा परेशान है, बदला तो मैं लेकर के रहूँगा। मेरे प्यारे डगन कुछ पता लगा? अरे कुछ तो पता लगा होगा तुझे, डगन बोल रहा है, ड्राइवर तेजी ही फ़ोन करने वाला था। बहुत सारे VIP बंदे मिले हैं सिस्टम वाले जो गाइड कर रहे हैं सही बंदों को, कैसे कब किसको मारना है। अगला टारगेट फिर से तेरी फैमिली वाले मेंबर का ही होने वाला है, इससे पहले वो सारा काम करे, जाकर के उनको तैयार कर। मैंने बोला मेरे भाई थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए इन VIP बंदों को, इनको VIP ट्रीटमेंट देने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ड्राइवर देने में एक नंबर है। पहुँचते जगह पर पहुँच चुका हूँ। ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, इसी कंटेनर से नीचे जाने का रास्ता है, मतलब कि गैरेज है, वहीं पर फिलहाल हमें VIP गेस्ट मिलने वाले हैं। अबे नमूनों के सरदार, 3-4 बंदे खड़े हो फ्रंट पर, तुम मुझे रोक लोगे नीचे जाने से? इतना दम आ गया तुम लोगों में? नीचे निकलता हूँ गैरेज में एंड वहाँ पर VIP वाले बंदों को मसाज देते जा करके, VIP वाले एकदम। नीचे पहुँच गया था, बहुत देर से बंदों को मारने में लग रहा हूँ मैं, अमेजिंग लेवल से बंदे पिटे जा रहे हैं, एक कमेंटी लगने वाली है। अरे अपने VIP भाइयों को बुलाओ ना, बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ, ड्राइवर भैया बड़े परेशान हैं, उनको थोड़ा सा मसाज देनी है। बंदे ने बुलाया था मुझे मसाज के लिए कि ड्राइवर सर मसाज चाहिए हम लोगों को फुल बॉडी, तो मैंने बोला आ रहा हूँ भाई सर, सर्विस के चार्ज भी नहीं लूँगा मैं तो, फ्री में सर्विस करके जाऊँगा। ठीक है चलिए, अमेजिंग लेवल, बंदे लगता नीचे है शायद से, आ रहे हैं ड्राइवर भैया जी आ रहे हैं उनको मसाज देने के लिए, विदाउट एनी ऑयल, क्योंकि तेल वेल से मसाज थोड़ी, फिर तो बंदे को दर्द ही नहीं होगा ना,
तो नॉर्मल तरीके से उनको इतने प्यार से पिटाई करूंगा, मैं भी बदला लूंगा बड़े अच्छे लेवल से। देखे तो सही बंदे सच्ची में है भी या नहीं भी। हेलो आगे निकलो। वाह भाई वाह, मिल गए। अरे क्या हो गया भाई, तुम्हारे पास वेपन नहीं है? अरे कोई गन लेकर के आ जाओ यार, मैं दे दूँ क्या? मुझे मार दो। ड्राइवर मरना चाहता है बट तुम में दम है मुझे मारने का? देख रहे हो भाई कैसे खड़े हैं। बनते तो बहुत बड़े डार्क किंग के नेता है, मतलब कि उसके ऐसे भक्त बनते हैं बहुत ज़्यादा कि अपने बॉस के लिए मार देंगे। नहीं बॉस को हाथ लगा करके दिखा तू एक बार ड्राइवर को, मैं सच्ची में जो तू बोलेगा वो करूँगा। आ जा बेटा, तुम चारों में से जिसमें भी दम है ना ड्राइवर को हाथ लगाने का, आ जाओ। खुला ऑफर है, अपनी जान बचाने के लिए खुला ऑफर है, इससे अच्छा ऑफर कोई नहीं देगा तुम लोगों को, सच बता रहा हूँ मैं। एक बार ड्राइवर को हाथ लगाओ। मैं सोच रहा था कि ड्राइवर का इतना ज़्यादा खौफ होगा। बंदों ने कुछ नहीं बोला, बोल रहे हैं बस ड्राइवर सर सॉरी छोड़ दीजिए। मैंने बोला कैसे छोड़ दे भाई, कैसे छोड़ दे, तुम लोगों ने छोड़ा हमारी फैमिली को। जब अपने पर आई तो छोड़ दो, दूसरे पर आई हम अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई हो हम भी अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर रहे नमूनों को सरदार, तू कैसे बच गया बे? ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा तुम लोगों को? कमाल करते हो, कमाल करते हो। अभी आग बुझाऊंगा फिर लगाऊंगा, फिर बुझाऊंगा फिर लगाऊंगा। लेस्टर रोया तो उसके रोने का नतीजा तो उनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मानता हूँ मैं उसको बहुत पीटता हूँ, तब पीटता हूँ जो मेरे को परेशान करता, गुस्सा देता था, बच्चों वाली हरकत करता है। खैर वो पहले हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा लेस्टर को शौक लगा था तो लेस्टर ठीक हो गया था, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो पहले उसको उन्हें मेरा बड़ा परेशान किया, बहुत परेशान किया उसने मेरे को, एंड मैं उसको हमेशा पीटा करता था। तो फिलहाल चलिए इनका तो मैंने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर दिया, बाकी और कोई देखते कोई और बंदा भी हमसे इलाज करवाना चाहता है क्या, किसी और को भी ट्रीटमेंट चाहिए तो ड्राइवर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। ड्राइवर को तो डॉक्टर होना चाहिए भाई, वैसे ड्राइवर सच्ची में अगर डॉक्टर हुआ तो कितना अमेजिंग लेवल हो जाएगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो ठीक है ड्राइवर मेरे लाल, जल्दी से निकलिए आगे की तरफ। वहाँ से निकल करके मैं सीधा प्रेजेंट हाउस पर आ चुका हूँ, क्योंकि इसी एरिया में ज़्यादा बंदे अभी देखे गए हैं, बट एवरेज निकल गया। लगन का फ़ोन आया था मेरे पास वहाँ से निकलते, जब मैं गैरेज में बंदों को शांति से मसाज करके आया था ना, तो वहाँ पर तुरंत उसके बाद ही मेरा फ़ोन आया। लगन ने बोला कि ड्राइवर रेडी हो जा, 5 दिन से पहले वॉर शांत नहीं होने वाली। मैंने अभी नोटिस किया है पूरे 7 या 8 लाख बंदे सिस्टम के निकल पड़े तेरे ऊपर अटैक करने के लिए, 7-8 लाख बंदे भाई। तो मैंने अपने हाई कमांड के बंदे को बुला दिया है, तो जंग तो बहुत लंबी होगी, बंदे आते रहेंगे पिटते रहेंगे आते रहेंगे पिटते रहेंगे। इसका मतलब भाई अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई होने वाली है, अब तक हमारे जीटे की सीरीज़ में ये जितने भी मेरे जीटे के एपिसोड सब तक आ चुके हैं, इससे लंबी लड़ाई आज तक कभी कोई नहीं चली, क्योंकि ये लड़ाई लगन के एवरेज के हिसाब से 5-6 दिन मिनिमम चलने वाली है, क्योंकि हमें 5-6 दिन लग जाएंगे 7-8 लाख बंदे मारने में, क्योंकि एक साथ तो आने वाले नहीं, छुप छुप के आएंगे सारा काम करेंगे, एंड आना शुरू हो चुके हैं, ये शुरू अब हो चुकी है लड़ाई, अभी 5 दिन में जाकर हो गई कम से कम टगन के हिसाब से। देखते हैं जीतूंगा तो मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको तो नेता मैं ही बनाऊंगा। बहुत बुरा यार, सच्ची में सिस्टम वाले बंदे पागल हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जब सिस्टम का हाई कमांड का बॉस बन जाऊंगा तो उसके बाद भी मेरे ऊपर कोई अटैक होगा। मैंने सोचा था मैं तो मजे से जीऊंगा फिर राजा बन के। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि डार्क किंग के वफादार बंदे उल्टे काम करेंगे, इसके चक्कर में नुकसान हो रहा है डबल मेरे को। हाई कमांड के बंदे भी तो मर रहे हैं ना यार, मेरे तो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो गद्दारों ने धोखा दे दिया, ऊपर से जो मेरे वफादार बंदे वो भी मारे जा रहे हैं लड़ने के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ड्राइवर को, आओ आओ तुम लड़ो, तुम 5-7 लाख बंदे 8 लाख 20 लाख जितने भी लेकर के आ सकते हो लेकर के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर की आर्मी इस वक्त कम नहीं है। सही बोला था डगन का, इसका मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब कि वो बंदा इतना अच्छा गैस करता है सही एकदम, उसने बिल्कुल सही एवरेज लगाया था, लगता है मैथ्स मजबूत है हमारे डगन की। उसने बोला था 5-7 दिन कम से कम और चलेगी, एंड पूरा एक दिन तो बीतने ही वाला है। मैप आप देख रहे हो ठंडा नहीं पड़ रहा, दुश्मन आए जा रहे हैं, मेरी आर्मी भी आई जा रही है, मैं भी हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ख़त्म कर दूंगा। वॉर का माहौल बन गया लॉस एंजेलिस का पूरा पूरा, बंदे भाग रहे बेचारे यहाँ वहाँ पे, शहर के बंदों को बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, बट कोई चिंता की बात नहीं है, मैं भी इस लड़ाई को जब तक लड़ूंगा जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली, भले 5 दिन चले या 50 दिन चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस वॉर को जीतेगा तो ट्रेवर ही, चाहे मेरे को कितने बंदे लाने पड़े। आपको बताइए के जी एफ अपनी है डगन के लिए काम करती है, मैंने अभी उनको नहीं लगाया लड़ाई के लिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ हाई कमांड की आर्मी है जो मेरा काम कर रही है, मैंने अपने पर्सनल आर्मी को किसी को नहीं बोला लड़ने के लिए, सारे बंदे हाई कमांड की तरफ से हैं। बहुत दूर तक ये फैली लड़ाई, इसलिए आपको यहाँ पर बंदे कम दिख रहे हैं, बट आप जैसे मैप पर देख रहे हो लड़ाई पूरी चल रही है, और क्या होता कब तक चलेगी, बट भाई बस काशर जीत जाए, अगर हम हार गए ना 1% तो पता नहीं क्या हो जाएगा फिर ट्रेवर के साथ में, क्योंकि आर्मी का एक लौता सहारा है, अगर हाई कमांड की आर्मी भी हार गई तो फिर तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ट्रेवर की। चलो ठीक है, देखो मैं पूरी रात अभी यहीं पर रहने वाला हूँ, देखते सुबह तक क्या हिसाब होगा,
कितने बंदे हम मार पाएंगे, कितने नहीं मार पाएंगे, कितना हमारा नुकसान होगा, कितना सामने वाले का नुकसान होगा। सुबह का टाइम हो चुका है एंड यहाँ पर तो तगड़े अटैक चल रहे हैं अभी भी। नहीं भाई, बहुत बुरे बुरे अटैक चल रहे हैं। ड्राइवर थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे, एंड ये बंदे ने बना दिया नेता। दो तीन पड़ गए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, एंड उसकी वजह से हालत हो गई बहुत ज़्यादा बुरी। नॉर्मली तो इससे तो पता लगता है कि ज़्यादा पावर नहीं थी इन बॉम्ब्स में, नहीं तो ड्राइवर का नेता बहुत बुरा बन जाता। अब की बार बट इतना ज़्यादा हुआ नहीं, ना तो बॉडी में इतने निशान पड़े। चलिए बच गया, बट पॉइंट ये बता देता हूँ मैं आपको, पूरी रात से क्या हंगामा चल रहा है, बहुत बुरी चल रही है लड़ाई, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। लॉस्ट एंड उसमें नेता बने जा रहा है सभी का, बहुत बुरा काम चल रहा है। अरे एक सेकंड भाई, नीचे निकलना पड़ेगा मेरे को, कवर में रहना पड़ेगा क्योंकि बंदे मेरे को भी मार रहे देखते हैं, एंड बहुत बुरा काम चल रहा है मेरी आर्मी के ऊपर भी। सामने दुश्मन का एक और प्लेन जा रहा है, बट वहाँ तक शायद एलियन गन काम कर गई। अमेजिंग लेवल एले नमूनों के सरदार, मैं भी बहुत बंदे मार रहा हूँ भाई, कल रात से बहुत बंदे मरे, पूरा एक दिन बोर करते करते हो चुकी है, पता नहीं भी लड़ाई कितनी लंबी जाने वाली है। एक काम करते हैं, पूरा एंड तक स्किप करते हैं, नहीं तो पूरे एपिसोड में जंगी जंग देखने को मिलेगी आपको। तो एंड सीधी सी बात है, पहले मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ क्योंकि ट्रेन की हालत अभी वीक, मतलब काफ़ी वीक ना साचू की हालत ठीक नहीं है। ट्रेन भाई इधर बैठो, इधर बैठो, बहुत बढ़िया। तो ठीक है चलिए, गाड़ी में बैठ चुका हूँ मैं, बाकी बाद में देख लेंगे। ट्रेन भैया जरा इधर से, अरे एक तो यार ये हेलीकॉप्टर वाले बंदे ना इतने क्रैश हो गए, यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो गया मेरा। चल 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 ट्रेन जरा इधर से आ जा, फिर से कोई नमूना आ गया हेलीकॉप्टर वाला अटैक करने के लिए। मैं घर से फिर से आ चुका हूँ, अमेजिंग लेवल, ना तो ट्रेवर को नहाने की फुर्सत, ना ट्रेवर गाड़ी बदलने की फुर्सत, इतना अमेजिंग काम चल रहा है। तीसरा दिन आज फाइट का, बहुत बुरा लेवल का काम चल रहा है, मेरे को कोई और फुर्सत ही नहीं है। लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर चल तो ठीक बिजी है, लेस्टर मेरे को फ़ोन ही नहीं करता, वो बोल रहा है जब तक जंग शांत नहीं होती, बोर शांत नहीं होती ड्राइवर, जब तक मेरे भाई तो चिंता मत कर, तो आराम से लड़ाई के ऊपर ध्यान दे, मैं पता करता हूँ मेरे पापा को किसने मारा। लेस्टर भाई काम कर रहा है, मैं तो सुबह शाम भाई बस जंग को ही देखता रहता हूँ। फिलहाल चलिए नीचे भी जाकर के देखते क्या माहौल चल रहा है, फिलहाल मैं ऊपर ही दिखा रहा हूँ आपको बार बार। नीचे भी चलते, कुछ लड़ाई बड़ी नीचे तक फैली हुई है, ये बंदे नीचे बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, बहुत दूर तक जा रही है लड़ाई, थोड़ी थोड़ी और लंबी फैलने वाली है। 8 लाख बंदे बोले थे यार उसने, 8 लाख बहुत होते हैं, 8 लाख को मारने में बहुत टाइम जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने चुटकी में 8 लाख बंदे खत्म कर दिए, बहुत बड़ी काउंटिंग होती है। 8 लाख बंदे लाइन से खड़े करके देखो, गिनते गिनते थक जाओगे। तो ठीक है आगे निकलता हूँ, चेक करता हूँ और कहाँ पर कितने बंदे पिट रहे हैं, कितने बंदे पीट रहे हैं। तीसरा दिन तो लड़ाई को हो गया लगभग, टगन का एवरेज बिल्कुल ठीक था, आइडिया बिल्कुल ठीक था, एक और नमूना फिर से अटैक करने के लिए पहुँच गया। अबे तेरे को पिटाई खानी है क्या मुझसे, पिट करके मानेगा क्या? ए राधे को आ गया बंदा, आ जा बेटे आ जा, तेरे को तो मैं ही सीधा करूँगा। ड्राइवर जरा इसको भी नेता बना। ठीक है भाई चलिए चेक करते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे हेलीकॉप्टर वाला बंदा उसको मारने के लिए पहुंच गया, उसने देखा ड्राइवर सर को खतरा, तो उसको ख़त्म कर देगा। अरे यार नहीं, मेरे बंदे को उसने मार दिया, वो कमज़ोर था, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एलियन बाद में इसके ऊपर छोड़ दूंगा। चेक करते हैं कितना और लंबा ये लड़ाई जाने वाली है। पूरे टोटल 5 दिन हो चुके हैं, बट फाइनली बड़ी वो कहते हैं राहत मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख करके कि हम लोगों ने बहुत बंदे मार दिए। डगन बोल रहा है ड्राइवर लगभग हम जीत गए, बट हमारा बहुत नुकसान हुआ है इस लड़ाई को लेकर के, बट फाइनली हम जीत गए, हमने सिस्टम के उन सही बंदों को लगभग ख़त्म कर दिया है। कुछ कुछ बंदे जो छिपके रखे लो सेंडस में, नहीं तो उनकी जो आर्मी आ रही थी उनको लगभग हमने जड़ से दी एंड कर दिया। मैंने बोला अमेजिंग मेरे लाल, फिलहाल मैं भी हेलीकॉप्टर में था, मैंने बहुत बंदों को मारा, फिलहाल कुछ और बंदे भी आ रहे होंगे दुश्मन के, उनको आने दो, मतलब ये लास्ट चल रहा है, अब इसके बाद और कोई आर्मी नहीं आने वाली, आज लास्ट का दिन है, कुछ ही बंदे बचे उनको, नहीं तो हमने सारे सारे बंदे मार दिए भाई। 7 लाख से ऊपर उनके बंदे मारे गए हैं, ये कंफर्म क्या डगन ने खुद ही चेक करके, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बॉडीज भिजवाते भिजवाते थक गए हम लोग, यहाँ वहाँ पर फेंकनी पड़ रही है, बहुत बेकार काम चल रहा है भाई, लाशें लाशें, बहुत बुरा काम हो गया बेचारा। और सबसे ज़्यादा दुख है मेरे को मेरी आर्मी का, मैंने बोला था ना जंग में यार देखो सबसे ज़्यादा दुख होता है मेरे को अपनी आर्मी का, दुश्मनों ने फ्री में काम किया, खुद तो मरे, हमारे दोस्तों को मरवाया, फिर से आ गया। अबे नमूनों के सरदार सीधा कर दूंगा तेरे को मैं, भाग यहाँ से, हद होते हैं बंदे, अभी भी नहीं मान रहा मैं ना बोला। खैर आपको आज के दिन तो लड़ाई थोड़ी सी और चलने वाली है, आज के बाद ये सारे बंदे शांत हो जाएंगे क्योंकि आज के बाद हमने लगभग इनके सभी का तैयार कर दिया। मैंने बहुत बंदे तोड़े, बहुत ज़्यादा बंदे, मेरी आर्मी भी बहुत अच्छे साथ दे रही है मेरा, देखा जाए तो सारा काम बहुत परफेक्ट हुआ, बट देखा जाए हम लोग जीत गए यार। नहीं तो बीच में तो मेरे को ऐसा सिचुएशन आने लग गई थी, ऐसा लगने लग गया था कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, बट फाइनली हम लोग जीत गए। बट आप देख रहे हो नज़ारा, यहाँ पे तो World War III हो गई, ये सच्ची में अब की बार ऐसे नज़ारा लग रहा है मेरे को बहुत तगड़े वाला, पूरी जगह बर्बादी बर्बादी पड़ी यार। फिर से कोई नमूना आ गया, ख़त्म कर ख़त्म कर ख़त्म कर इसको, किसने इसने चलाई थी? अबे नमूनों के सरदार इतना बड़ा हो गया तू, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा ये ले। अरे भाई मतलब पिछले 5 दिन से हमने इनका एक बंदा जिंदा नहीं छोड़ा, तब भी इज्जत, वो कहते हैं ना बंदे कुछ होते इज्जत उनको हज़म नहीं होती। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस लड़ाई को पूरा एंड करते भाई, आज फाइनली आखिरी दिन है, लड़ते हैं एंड इसको, देखते फिर बाद में। जंग फाइनली ख़त्म हो चुकी है एंड मैं अब लॉस्ट सेंटर, मतलब कि अपने घर पर आ गया फाइनली थोड़ा आराम करने के लिए।
क्योंकि ड्राइवर को इतने टाइम से फुर्सत ही कहाँ मिली है, नहाने वगैरह की फुर्सत नहीं मिली बेचारे को, खाना भी ठीक से नहीं खाया। अब आराम से घर पर रहूँगा, घर मेरा रिपेयर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, 5 दिन बीत गए उस बात को, तो फिलहाल टोटल एवरेज अब आ चुका है भाई, मतलब कि हर चीज़ कैलकुलेट कर ली डगन ने भाई, 2 लाख से ऊपर बंदे हाई कमांड के भी मारे गए, बट हम लोगों ने 8 लाख से बंदे ख़त्म किए, मतलब 8 लाख से ऊपर सिस्टम के देखा जाए तो हमने 6 लाख ज़्यादा खर्च कर दिए, ख़त्म कर दिए, बट 2 लाख तो अपने ही मारे गए भाई। देखो सीधी सी बात है, जंग में उनके ही मरेंगे, हमारे ही मरेंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम में से एक ही बंदा नहीं मर रहा एंड आपने सारे मार दिए सामने वाले बंदे, ऐसा नहीं होता, सपनों में होता है बस, रियल में ऐसा नहीं होता। अगर आप मारोगे तो इसमें नुकसान थोड़ा बहुत आपका भी होगा, सीधी बात है, होगा ज़रूर भाई, जंग में गोली 2-4 बंदे आपको भी लगेगी, तो 2 लाख से ऊपर हमारे ही मारे गए, जिसका मुझे बड़ा दुख है यार। उनकी बॉडीज़ को हमने अरेंज कर दिया है, बहुत सारे बड़े बड़े कार्गो प्लेन, सभी की बॉडीज़ को कार्गो प्लेन में लगाएंगे, मतलब कि आराम से कॉफिन में रखेंगे, उसके बाद उनको सभी को वहाँ पर पहुँचाएंगे जहाँ से वो है, उनकी फैमिलीज़ के पास, उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छे से पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैंने बोल दिया सभी को कि बहुत अच्छा पैसा मिलेगा ताकि आपको लाइफ टाइम कभी फैमिली को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है मेरी आर्मी थी, मेरे लिए जंग में लड़े तो मेरी कोई जिम्मेदारी उनकी लेनी पड़ेगी, और ट्रेन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सभी को पैसा बड़े ही प्यार से दूंगा, ताकि उनकी फैमिली मेंबर्स में अगर 20 बंदे भी हो ना एक फैमिली के ऊपर एग्जाम्पल की बात, तो उन 20 बंदों को कभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अपनी लाइफ में मैं इतना पैसा सभी को देने वाला हूँ। मेरे आर्मी ड्राइवर की आर्मी ऐसी थोड़ी है भाई, ड्राइवर सब कुछ करेगा, ड्राइवर ब्रो वापस बाहर नहीं जाना, नहा वहाँ के निकलते हैं बढ़िया से आराम से, उसके बाद देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है चलिए भाई नहाते हैं, बाकी जंग अच्छी रही। फिलहाल मैं नहा तो लिया, गाड़ी भी चेंज करने का टाइम नहीं लगा, बट अच्छी बात क्या है नहा लिया ड्राइवर मेरा प्यारा भाई, ना तो 4-5 दिन से ऐसे घूम रहा था, फटाफट से निकलता हूँ जल्दी से क्योंकि हादसा होने वाला है, मेरे पास चोर का फोन है, चोर मुझे बोल रहा है ड्राइवर सर मुझे जान से मारने वाले, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। देखो फिलहाल मैंने बोला था ना कुछ बंदे भी बचे हुए हैं, अगर मैं साथ साथ बोला था कुछ बंदे ज़्यादा नहीं है 1000-2000 बंदे बचे हुए हैं जो शहर में छुप गए हैं, तो वो बंदे उल्टा सीधा काम कर रहे हैं भाई, बस उनको भी ढूंढ करके निकालना पड़ेगा, एंड इसी के साथ साथ सिस्टम के वो सारे बंदे मर जाएंगे जो हमारे खिलाफ थे, नहीं तो सिस्टम के और भी बहुत सारे बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है सिस्टम में ये सारे बंदे थे बस, ऐसा नहीं है, ये वो बंदे थे जो मेरे को बॉस नहीं मान रहे थे। आगे निकल ड्राइवर नहीं तो चोर मारा जाएगा, चोर मेरा प्यारा भाई गाड़ी अपग्रेड करता है मेरी, पहुंच गया मेरे दोस्त को बचाने के लिए, चल रहे बहुत सारे यहाँ पर बंदे हैं, अबे नंबरों के सदर में दोस्त को मारोगे, अबे भाग 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 मत, एक काम कर मेरे पास गाड़ी मांग करके बैठ फटाफट दे दी, प्यारा भाई गाड़ी बैठ चुका है तो आराम से चिंता मत कर सबको देख लेगा ड्राइवर, वैसे तो यहाँ पे क्या करने आया था भाई जल्दी मेरे को बता तो सही, तेरे को बोला था ना मैंने सभी मेंबर्स को अपने फोन कर रखा है कोई बाहर मत निकलना, इतने सारे बंदे को फॉलो कर रहे थे भाई कमाल के लेवल के, ड्राइवर बस बहुत बढ़िया, अभी इनको बनाऊंगा नहीं तो आ जा बेटा इधर आ जा, जरा पीछे ले ले गाड़ी, पीछे ले लो पीछे, अमेजिंग लेवल हो गया, ये बंदा ठीक है, अभी ये जाने वाला आप भी निकलिए, आप भी जाइए भाई साहब जल्दी, आप भी अभी आपका भी नेता बनने वाला हो गया, ये बंदा खत्म देखकर 2-4-5 मिनट लग रहे तो इतने प्यार से काम है, अमरूद है ये किसी को, ये है प्यारा अमरूद, एक ऐसा अमरूद है जो बंदों को नेता बनाने में बड़े ही काम करता है, चलिए फटाफट से बन गए नेता, पहले बोलता पंगा मत लो भाई, पंगा उससे लो जिसको मार सको, पंगा उससे कभी मत लो जिसको आप टच भी ना कर पाओ, ये ले बेटे कहाँ जा रहा है तू तो? इतने दूर से खत्म कर देगा ट्रेलर, बोल भी है अमेजिंग लेवल, बोल से मारूंगा ये बोल तो चौप के लिए काम आएगी, अरे यार मिस हो गई, चलिए खैर कोई बात नहीं, कहाँ जा रहा है बाइक पे बैठ के, कहाँ जा रहा है तू तो? सोचेगा तू तो भाग लेगा, चलिए फाइनली मैंने चोर को बचा लिया, ये देख रहे हो सुपरमैन फायर वाले अमेजिंग लेवल, अरे बंदो पागल हो गए तुम, रॉकेट की तरह ऊपर से निकल गए, इनके बचाने आए थे मारने आए थे, खैर जो भी है आज तो ठीक तो है ना, अबे तेरे गोली लग गई, ये फिर ऐसी ब्लड का निशान है, जोर से बातें हो गई है, बोल रहा है ड्राइवर भाई बिल्कुल सेफ हूँ, थैंक यू टाइम पर आने के लिए, मैंने बोला यार क्या तो भी यार दोस्त है तू मेरा, जब बोलेगा तब आऊँगा हेल्प करने के लिए, चल ठीक है यार इसको ड्रॉप करता हूँ, खुशी है मेरे दोस्त जिंदा है, नहीं तो बड़ा दुख हो जाता है बहुत बार, पहुँचते जल्दी से, ये तो बच गया ना यार, नहीं तो मैं टी सी को बचाने में फेल हो गया, टेस्टर जी को बचाने में फेल हो गया, जो उनको नहीं बचा पाया, मतलब मैं अपने दोस्तों को बचा ही नहीं पाया आपकी बार, मैंने खुशी है कि इसको बचा लिया मैंने चोर को छोड़ दिया है, उसको बोला था मैंने गाड़ी लेकर के निकल ले, मैंने उसके लिए गाड़ी मंगा दी थी, वो पीछे ही है आ जाएगा, मैंने दरअसल लेस्टर के पास निकलना है इसलिए मैंने उसको अकेले जाने दिया, लेस्टर बोल रहा ड्राइवर मेरे भाई जल्दी आ जाए लेट बनता तो ठीक है निकलता हूँ फेस्टिवल, पता लगा है नमूने को कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, अब जो भी पता लगा है तो बाद में हमें पता लग जाएगा, चलिए ड्राइवर मेरे फटाफट से पहुँचो, पहुँच गए लेस्टर मेरे दोस्त की फैक्ट्री पर, हेलो लेस्टर ब्रो कैसे, चलो लगता है संभल गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, अरे बोल यार तू भी कैसे क्या हो गया, क्या परेशानी है क्या हो गया, देखो यार अभी उदास मत हो, देखो उदास होने से क्या तेरे पापा वापस आ जाएंगे, पर दिमाग से काम लेंगे, 5 दिन लगे बट तेरे दोस्त ने खत्म कर दिया सही बंदों को, तेरे कुछ पता लगा इन 5 दिनों में, मैंने पता लगा लिया है ड्राइवर, मेरे पापा को रॉबर्ट ने मारा है तेरे पापा ने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं धोखेबाज को, वो फ्रॉड है ड्राइवर, एक तेरे पापा है मुझे पता है, बट उसने मेरे पापा को मारा है,
मुझे पता है तू अपने पापा को कभी नहीं मार सकता, इसलिए तू प्रॉमिस तोड़ देगा, इसलिए मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा ट्रायल बिल्कुल भी। देख तू मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तेरे पापा को जान से मारूंगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पापा की मौत का बदला लूंगा, भले ही दुनिया में कोई भी हो, अब रोबोट ही क्यों ना हो मैं छोड़ूंगा नहीं। मानता हूँ मैं डरता हूँ रोबोट फिलिप से, बट अपने पापा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मर जाऊंगा ट्रायल बट बदला नहीं करके रहूंगा। क्या थी ये बदतमीजी, गाड़ी में बैठा निकल गया। अबे लेस्टर पागल इंसान, बात सुन मेरी, हद हो गई यार, ये सच्ची में इसको किसने बोला फालतू बात? बोल रहा है ट्रेवर तेरे पापा को ने मारा है मेरे पापा को। अरे रॉबर्ट फिलिप्स को मारेगा लेस्टर जी को? नमूनों के सरदार, पहली बात तो बहुत दिन से गायब है, बात को सुन मेरी। लेस्टर की बुद्धि और बुद्धि कभी कभी उल्टे काम करती है, ये पागल हो गया पापा के सदमे में। मेरी बात सुन लेस्टर, बेटा ऐसा नहीं है, बात सुन जरा, गाड़ी रोक, ये नहीं मानेगा क्या? देखो ले, बहुत बढ़िया गाड़ी लोग लेस्टर ब्रो, ऐसे उल्टे हरकत नहीं करते, ये बचपना छोड़ दे, बैठ के बात करते। और ये बता तेरे को इन्फॉर्मेशन किसने दी? रॉबर्ट फिलिप्स को मारने के लिए निकल पड़ा लेस्टर, अब देख रहे हो, ये तो वही वाली बात होगी, मच्छर डायनासोर को मारने के लिए निकला है। अबे मच्छर तो कितना ही उसको डेंगू का वायरस छोड़ दे अंदर, बट कुछ नहीं हो गया वहाँ। अबे डायनासोर नहीं मरने वाला डेंगू से, इसको रोकना पड़ेगा। लेस्टर ब्रो गाड़ी रोक, तेरे दोस्त नहीं तो सीधा कर देगा तेरे को। एक मैं नहीं चाहता मैं तेरे को मारूं लेस्टर, प्लीज गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। नहीं मानेगा भाई, देखो दोस्त है, गोली नहीं मार सकता। चलो एक काम करते, रोकते देखते जा कहाँ रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, नहीं किसी के पास मिलने के लिए, कुछ करने के लिए। इसको जाने देता हूँ, पता नहीं किसने इसका कान भर दिया एकदम से, अभी तो बिल्कुल ठीक था। लेस्टर वहाँ से सीधा निकल करके ना जंगल के एरिया की तरफ पहुँच गया, हाईवे पे जो है, और बंदों को मार रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है इसको रॉबर्ट फिलिप्स के बंदे हैं, रॉबर्ट फिलिप्स के बंदों को मार रहा है भाई, बट अकेले ही लग गया। अबे वेस्ट वेस्ट पहन करके आ जाता नमूने, यहाँ पे मरने काम करके आया तू, मेरे नाम हो जाएगा, फिर मेरे को लगेगा मैं अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया। उल्टी हरकत मत कर, समझ में आ रहा है तेरे को? किसको मार रहा है तू फ्री में? अबे उल्टी हरकत किसने तेरे कान भरे? क्या दिक्कत है तेरे को, परेशानी क्या है? देख कितनी गोलियां लग गई है, क्यों मरना चाहता है? मेरे पापा के चक्कर में उनके पास जाना चाहता है क्या? किसने बोला तुझे रॉबर्ट फिलिप्स ने मारा? वो क्यों मारेंगे, उनको पता है तेरे पापा है वो? ये मानने को तैयार नहीं है, एंड मैं इसको मरने नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार मेरे को पता है जब लेस्टर सिद्ध कर लेता है तो बहुत बुरी सिद्ध करता है, इसलिए इससे पहले कुछ उल्टा से नुकसान हो जाए इसको लेकर के जाना पड़ेगा। लेस्टर ब्रो सो सॉरी, बट तेरे को मुझे रखना पड़ेगा बांध करके, फिर कुछ भी करके, जब तक मेरे को सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि लेस्टर पागल हो गया, रॉबर्ट फिलिप्स को मारना चाहता है, बस बोल रहा है मेरा यही लाइफ कहीं में। पता नहीं भाई किसने मेरे दोस्त से कान भरे, बट मेरे को उस जल्दी बंदे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर नहीं तो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा। मैंने सोचा था बेचारा बहुत उदास है, चलो उसका सहारा बन जाता हूँ, मुझे थोड़ी पता था ये नमूना मेरे को ही परेशान करेगा थोड़ी देर में। अबे तेरे पापा की डेथ में समझता हूँ नमूने, दुख हुआ है तेरे को, अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये थोड़ी तू किसी को मारता फिरेगा उसके बदले में। अब मैंने तेरा बदला ले तो लिया, पूरे सिस्टम को दिया कर दिया, बात खत्म हुई। बढ़िया रॉबर्ट फिलिप्स, पता नहीं फ्री में यार रॉबर्ट फिलिप्स कहाँ से आ गए बीच में, कौन इसको दे गया इन्फॉर्मेशन? सही है, मतलब खुद के पापा तो तेरे चले गए, अब तू का ट्रेयर के पापा को भी मारना चाह रहा है, और वैसे मार भी कहाँ पाएगा? मैंने फिर बोला डायनासोर एंड मच्छर, क्या कर लेगा मच्छर डायनासोर का? सर को मैंने लेस्टर घर पर फेंक दिया है, मतलब यहाँ पर रख दिया है, और इसको दो चार गार्ड्स यहाँ पर लगा दिए ताकि इसकी थोड़ी मतलब कि साफ सफाई कर दे, जो ब्लड वगैरह है गोली साफ कर दे, जो भी सब कुछ सही कर दे। तो फिलहाल भाई लेस्टर के दिमाग में एक बात मेरे को सोचनी पड़ेगी, अब मेरे को इसको जल्दी सॉल्यूशन करना पड़ेगा रॉबर्ट फिलिप्स वाली बात के लेकर के। पता क्यों? क्योंकि लेस्टर के दिमाग में अगर जो कोई बात घुस जाती है ना तो लेस्टर पागल की तरह उसकी चीज़ें पड़ जाता है। अब इसको ऐसा लगता है कि रॉबर्ट फिलिप्स के पापा को मारा तो उस चीज़ के लिए पागलों की तरह लग जाएगा, एंड जब तक नहीं बैठेगा जब तक कुछ उल्टा सीधा ना करे, इसलिए इससे पहले कुछ उल्टी सीधी हरकत करे मेरे को इस चीज़ को जल्दी सोल्व करना पड़ेगा, एंड इसको बताना पड़ेगा कि तेरे को किसी ने बेवकूफ़ बनाया, बात खत्म, क्योंकि नहीं तो ये रुकेगा नहीं और मेरे को इसको पीटना पड़ेगा। चलिए जो भी है चेक कर लेता हूँ, बाकी भाई देखा जाए तो आज हमारी लास्ट बोर थी इस सीरीज़ की, क्योंकि अभी कोई और जंग नहीं होने वाली, क्योंकि जंग करने वाले बंदे सारे मैंने मार दिए, वो सारे बंदे अपने को मर चुके हैं जो उल्टा सीधा काम कर रहे थे। रहे कुछ ही बंदे बचे, 1000-2000 बंदे बच रहे होंगे जो लॉस्ट एंड छुप के रखे हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ी जंग नहीं होगी, अब जंग के दिन गए, वॉर तो नहीं होने वाली जैसे वॉर अभी हुई थी भाई, 7-8 लाख बंदे मारे, वो तो वॉर थी, अब होगी छोटी मोटी लड़ाई जो बंदे मेरे को मिलेंगे बस। देखा जाए तो अभी कोई टेंशन नहीं है, अब हम फ्री है, बस हमारा मेन टारगेट है सब कुछ सही करना, और वैसे भी 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं तो कोई ज़्यादा एपिसोड बचे भी नहीं है, 2 या 3 एपिसोड शायद से, तो उसके बाद सीरीज दी एंड। बस अब तो मेन ही काम करना डार्किंग का और फैंटम का, अब एक्स्ट्रा जंग सब खत्म हो चुकी है, मतलब की लड़ाई है सब खत्म, तो देखते क्या होगा। एंड ये लेस्टर का चक्कर ये मेरे को जल्दी सॉल्व करना है, एंड रिवर्स रॉबर्ट फिलिप्स की, रॉबर्ट फिलिप्स तो लॉस एंजेलिस में है नहीं, फिर इसके पापा को मारेंगे कैसे यार? अभी तक मुझे खुद नहीं पता वो है कहाँ पर, जब पता लगेगा तभी तो कुछ होगा ना। मालिक वक्त आ गया है टेलर को मारने का, अब हमें उसको मार देना होगा। ऊपर से ऑर्डर आया मालिक,
अब हमें ड्राइवर फिलिप्स को जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा।